पापा जी आ रहे हैं। कलेक्टर साहब आ गए। नमस्ते। बैठिए सर। अरे बैठो भाई। नहीं मैं। अरे बैठो ना, तुम अलग थोड़ी हो, चुपचाप बैठो भाई। शुरू करो। हमारे डिस्ट्रिक्ट माले गांव में रेलवे स्टेशन की मांग है और कॉलेज की मांग है। हमारे एमएलए ने प्रेशर डाल करके इन मांगों को मंजूर करवाया है। यहाँ जब मैं आया तो केवल 8 लोग ही खड़े हुए। जगह की जरूरत, इसके आते ही सब लोग खड़े हो गए। चयन रेलवे डिपार्टमेंट खुद करेगा। अगर आप लोग जगह देने के लिए तैयार हैं, तभी मैं इन चीजों के लिए मंजूरी भेज सकता हूँ। अगर हमारे गांव में रेलवे स्टेशन बन रहा है तो उसके लिए हम कितनी भी जमीन देने को तैयार हैं। फिर क्या है, नए स्टेशन का शिलान्यास जल्दी ही कर देते हैं। बोलिए सर, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ रेलवे स्टेशन की क्या जरूरत है। आखिर जगह क्यों चाहिए? हमारे गांव से स्टेशन 18 किलोमीटर दूरी पे बना हुआ है। अगर स्टेशन बनाना हो तो 9 किलोमीटर की दूरी पे बनाना चाहिए। ये छोड़कर 3 किलोमीटर दूर इस गांव में बनाने से क्या फायदा? वहाँ एक मिल है। वहाँ 300 लोग काम करते हैं। वो लोग साइकिल और बाइक से अपने घर चले जाते हैं। वो तो सही है। क्यों भाई, नेताजी संकोच क्यों कर रहे हैं? भाई संकोच नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? बिरजू भाई के बोलने पर 50,000 लोग वोट डालते हैं। भैया गांव में मेरी कुछ जमीनें हैं, कुछ दुकानें हैं, शादी विवाह के लिए एक धर्मशाला भी है। इसका मतलब है तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है भैया। तुम किसी भी पार्टी से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें जिताऊंगा। लेकिन अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भैया। सुंदरपुर में कॉलेज है, 3 स्कूल है, 3 फैक्ट्रियां हैं। वहाँ पे 7,000 लोग काम करने जाते हैं। वहाँ स्टेशन बनाना ठीक होगा। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। हमारे एमएलए साहब इतनी मेहनत करके स्टेशन लाए हैं, आप लोग दूसरे गांव में बेचना चाहते हैं? मेरे गांव में रेलवे स्टेशन नहीं बना तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अरे तेरा गांव मेरा गांव कह रहा है क्या तू? दूसरे गांव में जाएगा नहीं, और दूसरे गांव में जाने के लिए टिकट तो लेना पड़ता है ना। नेताजी इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मामला संवेदनशील है, समझ में नहीं आता कैसे डील करूं। कानूनी तौर पर आपको जो कुछ करना कीजिए, बाकी गुंडों को तो मैं देख लूंगा। क्यों राजकिशोर? सही कहा भैया। उस नए स्कूल को बनाने के लिए कितनी लागत आएगी? उसका टेंडर भी निकलना है। हाँ ठीक है चलो। आपका नाम इतना छोटा क्यों डाला? ए, बेशरम तूने मुझे क्यों रखी है? चप्पल से मारो इसे, मारो इसे। ए, तुम लोग भी मारो इसे। भैया हमने चप्पल बाहर रख दी। ए, तो बाहर लेकर आओ, मारो इसे। लामो की तरह एमएलए बनकर रहने से अच्छा है ये राजकिशोर कहीं जाकर के फटपड़ी की दुकान खोलेगा। तुम लोग मेरी फोटो को चप्पल से मार रहे हो? आप ही ने तो मारने को कहा था। मैं जो भी कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। मैं किसी को मारने के लिए कहूंगा तो मार दोगे? जीते हुए 2 साल हो गए, 1 रुपया भी नहीं कमा पाया हूँ। वो आदमी हर काम का हिसाब मांगता है, हर किसी काम के लिए अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं मुझे। पास के जिले के एमएलए को देखो, जीते हुए उसे सिर्फ 6 महीने हुए हैं और उसने एक ऑडी कार खरीद ली है। उसने ऑडी खरीदी, हम बॉडी खरीद लेंगे भैया। उसने अगस्त में खरीदी, हम सितंबर में खरीदेंगे। जिन्हें ऑडी कार और 8वें महीने का फर्क नहीं पता है, ऐसे लोगों के साथ कभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा? सुनिए जी, मैंने सुना है वहाँ रेलवे स्टेशन बनने वाला है। अगर मेरी बहन के गाँव में वाकई में स्टेशन बन गया तो आने जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी ना। वाह वाह, हमारी चिंता है कि हमारी गाय पड़ोस के घर के आगे गोबर करती है, और तुम्हें चिंता है कि पड़ोसी की गाय कहाँ जाकर गोबर करती है। भागिया से भैया, हमने स्टेशन बनाने के लिए मिल मालिक से 10 लाख रुपए लिए हैं। वो सब छोड़ो, जो स्टेशन हमारे गांव में नहीं आएगा वो कहीं और भी नहीं। तो अब करना क्या भैया? शिव गंगा के रेलवे ट्रैक में तुम सब बम लगा दो। रेलवे मिनिस्टर को खत लिखो कि अगर वहां पर स्टेशन बनेगा तो हम उसे बम से उड़ा देंगे, और फिर वो फाइल ही बंद कर देंगे। श्रवण, रेलवे पटरी पे बम फट गया है। ट्रेन कब आएगी श्रवण? ट्रेन तो कभी भी आ सकती है यार।
जाओ तुम लोगों को हटा। हाँ ठीक है। और तुम ये लेकर खड़े हो। हाँ ठीक है। हाँ हाँ चल। अरे गाड़ी के टाइम हो गया, जल्दी कर। अरे बच करके, ट्रेन आ रही है। अरे ये तो कोई लड़का लाल कपड़ा लेकर हमारी तरफ भाग कर आ रहा है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रुको, रुको, गाड़ी रोको। अपने गांव के 10 आदमियों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है, क्या किया जाए? हमारे गांव के लोगों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ए, तुमने किया या तुम्हारे गांव वालों ने? उस दिन जब तुमने मीटिंग में विरोध किया था तो उसी दिन तुम्हारे हाथ तोड़ देने थे। किसने किया, किसके कहने पर किया, जब तक नहीं बताओगे कोई भी यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाएगा, समझे? मैंने नहीं किया साहब, हम लोग का कोई कसूर नहीं है। शिव गंगा से लेकर आसपास के सभी गांव में जाकर पता लगाओ। ठीक है मालिक। और यहाँ पे आने वाली सभी बसों को और सारे बस स्टॉप को ध्यान से चेक करो। पिताजी का तरीका पुराना हो गया है, ये सब सेल फोन आने के पहले की बात है। आजकल काम करके लोग बाबू लोगों के साथ मिलकर बच जाते हैं, वो लोग जरूर जंगल में छिपे होंगे। मुझे शक तो है लेकिन यकीन से कह सकता हूँ वहीं छुपे होंगे। पुलिस वहाँ पे सब लोगों को ढूंढ रही है श्रवण। पुलिस वाले ये पता लगाएंगे कि बम कितने किलो का था, देसी बम था या नहीं, कितना तार लगा था, कितना बारूद था, कहाँ से फेंका था, वो टाइम बम था या रिमोट बम था, बस ये सब जानने में ही रात हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले ही पता लगा लें। सुनो, बाइक को पत्तों से छिपा दो, जल्दी करो। किसी को देखो तो चिल्लाना मत, रिंग करना, ठीक है? बात मत करना, कोई देख ले तो मेरी तरफ आ जाना, ठीक है? ठीक है, जा। ए, कौन है रे? पकड़ो उसे, पकड़ो, पकड़ो। अरे मेरे साइकिल का हैंडल मुड़ गया। हैंडल मुड़ गया? मैं हूं ना। वो हर बार हैंडल सीधा क्यों करने जाते हैं? देखो ये एक बीमारी है, जहाँ साइकिल का हैंडल टेढ़ा देखता है वो उसे सीधा करने चला जाता है। इसमें दो काम हो जाते हैं। अरे दो अंडे तोड़ दिए। क्या बहन अपने दो अंडों के लिए रो रही हो? यहाँ तो ठीक ही है, जिसका नुकसान होता है उसी को दर्द होता है। 10 साइकिल भाड़े पर चाहिए। भाड़े पे चाहिए किस लिए? पड़ोस के गांव वालों को सबक सिखाना है इसलिए। पर बाइक पे जा सकते हो ना? बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो उसे उठा कर नहीं ला सकते ना।
लेकिन साइकिल को उठाकर ला सकते हैं। सही कहा मेरे दोस्त, मेरी साइकिल ले जाओ, भाड़ा भी नहीं चाहिए। यहाँ से सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और उन पर हमला करना। साले ताश खेल रहे हो ना? फैल जाओ सालो, अभी तुम लोगों को ताश के पत्तों की ध्यान से सुनो, गांव को चारों तरफ से घेर लो, कोई बाहर भागने न पाए। साइकिल सब टूट जाएगी। अरे वो सारे लड़के अपनी अपनी साइकिल लेने यहाँ जरूर आएंगे। सब लोग यहीं पर बैठ जाओ। मेरे बाप ने मेरे लिए साइकिल की दुकान खुलवाई थी, तूने सब बर्बाद कर दिया। चुप रे, तुझे तेरी साइकिल चाहिए ना? बोलो भैया। फॉर्मूला 43। ठीक है भैया, अब देखना। अरे हम लोगों के खलिहान में आग लग गई, जल्दी चलो। भैया आइडिया तो बहुत अच्छा था, चलो पहले साइकिल लेकर भागते। भागो साइकिल, जल्दी भागो यहाँ से। साइकिल का हैंडल टेढ़ा। अच्छा ये तुम्हें हैंडल सीधा करना है? तो कर रहा हूँ, दिखता नहीं क्या? हैंडल सीधा कर रहा है? तूने मेरे गांव के लोगों की पैंट उतारी, मैंने कुछ नहीं बोला, अब मैं तेरी लुंगी खोलूंगा। तुम लोग शिव मंदिर में पूजा करने गए थे तो माता के मंदिर में कैसे पहुंच गए? मंदिर में आने वालों को मारने की योजना बना रहे थे। आज के बाद तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारे गाँव वाले यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। मालिक, ट्रैवल एजेंट अंदर बैठा है। हाँ, घर में सब ठीक ठाक है ना? सब लोग अच्छे हैं माँ जी। आइए। अरे श्रवण को बुलाओ जरा। अब तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। माँ, बेटा श्रवण, तेरे पिताजी बाहर चले गए, जल्दी आकर खाना खा ले। अभी आता हूँ माँ, मुझे जाना है। बेटे को मुश्किल में डालने वाली माँ आखिर अपने पति का ही साथ दिया है ना? कितने दिनों तक छिपता रहेगा बेटा? हाँ, बेटा इस पे 7 फोटो चिपका के साइन कर दो। मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे लिए पासपोर्ट बनवाने वाले हैं। तुम काम करने के लिए विदेश जाना चाहते हो ना? क्या मेरे पोते को विदेश भेजोगे? भैया, पिताजी तुम्हें फंसाना चाहते हैं, फंस मत जाना। चुप करो, ये मस्कत सिंगापुर दुबई कहीं भी जाए, जब तक ये मेहनत करके पैसा नहीं कमाएगा ना, इसको पैसे की कीमत नहीं मालूम पड़ेगी। इसे पैसा कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। इसे क्या हुआ, ये मुझे देखकर भौं क्यों रहा है? इसलिए क्योंकि आप श्रवण को विदेश भेजना चाहते हैं ना, और ये बात इसे पसंद नहीं आई। ऐसा क्या हो गया जी, इसे विदेश भेज रहे हैं? किसी ने धोती खींच दी, इसके लिए उसके गाँव जाकर उसकी पैंट उतारेगा। तूने पड़ोस के गाँव में क्या उधम मचाया? उस दिन पटरी पर बम लगाने वालों को आपके लोग तो पकड़ नहीं पाए, उनको तो मेरे बेटे ने पकड़ा। यही इसकी गलती है। मैंने जानबूझकर गलत रास्ते पर लोग भेजे थे ताकि ये पता लगा सकूं कि इस सारी कारस्तानी के पीछे किसका हाथ है, और उस इंसान का मैं पर्दाफाश करना चाहता था। लेकिन तू उन्हें जल्दी पकड़ करके ले आया, अब हमें ये पता नहीं चला कि उन्हें भेजने वाला कौन था। इसलिए संयम रखना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब समझे? मैं जाऊंगा लेकिन विदेश नहीं जाऊंगा। सिकरी में मेरे दोस्त के मामा का रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो सीखूंगा, वहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तू सिकरी से आधे घंटे में आ जाएगा। नहीं पिताजी, जब तक आप नहीं बुलाएंगे तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। और उस पासपोर्ट का क्या होगा? बनवा दीजिए, कभी तो काम आएगा। क्या हुआ श्रवण? पिताजी सही कह रहे हैं, हमने उनका बना बनाया प्लान बर्बाद कर दिया। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम जैसों को अकल आएगी नहीं। किसी से उलझना मत बेटा, तू चिंता मत कर माँ, समय पर खाना खा लेना। श्रुति माँ का ख्याल रखना। हाँ। चलता हूँ माँ। ठीक है बेटा। आइए भैया, आइए आइए, कार में चलते हैं। नहीं, बाइक से जाऊंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है भैया, आपके लिए सबने अपनी गाड़ियों में डीजल भरवा के रखा हुआ है। मैं सिकरी किसी जनसभा के लिए नहीं जा रहा हूँ, कोई नेता नहीं हूँ मैं कि मैं प्लेन से जाऊँ कार से जाऊँ, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी बाइक से ही जाऊंगा ना। देखो बाइक भी तैयार है। आप सिकरी तक इस बाइक से जाएंगे भैया? बाइक बस पे रखूंगा और बस के अंदर मैं बैठूंगा। भैया तुझे गांव से जाने के लिए किसने कहा? मैं मालिक से पूछे बिना तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा। अरे शांत हो जा। नहीं जाने दूंगा। अरे यार, इसमें मारने वाली कौन सी बात थी? तो कोई बात प्यार से समझता है क्या, इसलिए मारा। क्यों गणेश, जो तूफान शांति से जा रहा था उसे रोक कर तूने मुसीबत मोल ले ली ना। कहा तुमने? ओ लगता है तुम्हारे इस एरिया का सब सिग्नल कट हो गया। तुम नाराज हो उसे यहाँ से भेज दिया? हमारा एक ही बेटा है, उसे भी हमसे दूर कर दिया, ऐसा क्यों किया? देखो मैं रोज पंचायत करता हूँ, उसमें बहुत से लोग चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मेरे से दुश्मनी हो जाती है,
मुझसे बदला लेने के लिए वो लोग मेरे बेटे को कुछ ना कर दे। हमारे बेटे को कुछ ना हो इसलिए उसे भेज दिया। अगर उसको कुछ हो गया तो हम सह नहीं पाएंगे। सुनिए जी, वो इस मछली के 200 रुपए बोल रहा है। कोई बात नहीं, ले लो। हे भगवान, कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। थैंक गॉड। चलती हूँ मामा जी। ठीक है बेटी, जाकर आओ। बेटी जाते जाते बच्चों को छोड़ देना। तुम अपने नोट्स का जेरॉक्स मुझे दे दोगी? हाँ वो बाद में दूंगी, अभी देर हो रही है। चलो जल्दी चलो। हाँ ठीक है। देख कर उतरना भाई, इंडिकेटर मत तोड़ना। अरे श्रवण, तू यहाँ? वासु, कैसे हो भाई, सब ठीक है ना? यहाँ सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बाइक पे बोरी लगी है, उसे खोल दो। खोलता हूँ। सुनिए, आप राधिका है ना? हाँ? मैं श्रवण। याद है बचपन में अशोक विद्यालय में साथ में पढ़ते थे, तुम पांचवी में, मैं आठवीं में, याद है? माफ कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा है? झूठ मत बोलो, तुम राधिका हो ना? ए, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं कोई राधिका वाधिका नहीं हूँ। तुम मुझे भी ना बताए बस में आकर चढ़ गए। कुछ नहीं यार, मेरे स्कूल में मेरे साथ एक लड़की राधिका पढ़ती थी ना, मैंने उससे पूछा तो कहने लगी वो मुझे नहीं जानती। अच्छा ये सब छोड़, चल मारी भैया इंतजार कर रहे हैं। वो तो तेरे चाचा है ना। अरे चल ना यार, बकवास ही करता रहेगा। दुकान तो बिल्कुल पहले जैसी है। अरे कैसा है दोस्त? अच्छा हूं, एकदम बढ़िया। तू कैसे भाई? ठीक ठाक। अच्छा हूं चाचा जी। हां कैसे आप? अंदर चल। क्या हुआ चाचा? अंदर चल बताता हूं। सुनो चाचा, बताओ भी। आज के बाद चाचा मत कहना। क्यों? भैया कहना मुझे। हे चाचा, क्या हो गया आपको? पहले तो सुनो चाचा कहा, और अब ये चाचा कह रहा है, थोड़ी देर में पता नहीं और क्या क्या कहेगा। मैं यहाँ का मालिक हूँ, तुम नौकर। ध्यान रख, मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर। तुम नौकर हो इसलिए या तो मालिक कहो या फिर भैया। तो चाची को भाभी बोलूंगा? चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो, दूसरों के सामने इज्जत किया करो। क्या हो गया? ये लीजिए भैया। बेशर्म, चाचा को भैया बोलता है, अकल मारी गई है? तू भी मेरे जैसा ही है, चाचा को भैया कहने लगा। ओ, तुम सठिया गए हो। मामा हो या चाचा हो, मैं जैसा भी हूँ इस शहर में मेरी एक इज्जत है। पहले तू जा, इसके साथ काम सीख, फिर आ। चल यार। अब समझ में आ रहा है कि गांव में छोटे बच्चों के साथ बैठकर दारू पीना कितनी बड़ी गलती थी तुम्हारी। ए, ध्यान से मुझे बचाकर। बिरजू पांडे ने आपसे स्कूल का हिसाब लाने के लिए कहा है, तुरंत आने के लिए कहा है। ऐसे उठ के चल दूं क्या? आ रहा हूं, आ रहा हूं। 32 लाख रुपए में ये टेंडर होके हुआ है भैया। ये तो बहुत ज्यादा है भाई। क्यों मुंगेरी? जी मालिक। हमारे शिवा ने घर बनाया था तो उसपे कितना खर्चा? 1100 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए उसने उस समय 9 लाख बताया था। इसका मतलब है 2000 स्क्वायर फीट के लिए 19 लाख रुपए में घर बनना चाहिए और उसे सजाना भी है, लेकिन वो खर्च इसमें लिखा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। क्या बड़ी कंपनी? सोने का दरवाजा लगा के देगा क्या? उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, अपने विनय सिंह से बनवा लेंगे। ऐसा करेंगे तो वो कोर्ट चला जाएगा भैया। कोर्ट में जाएगा तो बाहर तो आएगा ना, उसको वहीं पे कटवा दूंगा मैं। उस कॉन्ट्रैक्टर को भेजो। जी भैया। मुझे शक है कि ये वाकई अच्छा आदमी है या फिर दिखावा कर रहा है, इस पे नजर रखो। बेकार हो गई है जिंदगी, धोती भी नहीं चाहिए मुझे। स्कूल के खर्च से लेकर दूध के खर्च तक सब कुछ उसे कमाना पड़ता है। 50,000 लोगों को वो तो बस हाथ दिखाकर चला गया था, लेकिन उनके सामने मीटिंग में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाला और वोट मांगने वाला मैं था। उन लोगों के घर में गटर का पानी पीकर और सड़ा हुआ खाना खाकर और घर आकर मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने वाला वो नहीं मैं था। ऐसी जिंदगी पर तू है। उसको तो मार देंगे भैया। मार देगा? 5 लाख दूंगा, बाहर 10 लाख की गाड़ी खड़ी है वो भी दे दूंगा, मार देगा? मैं? डर लग रहा है ना? लौनत है मेरे ऊपर। तू गांव में हथियार चलाने वालों से ज्यादा चापलूस लोग खड़े हुए हैं। बहुत जीली कुत्ते की जिंदगी है, अब मुझे शेर बनना ही होगा। बिरजू पांडे जब कॉन्ट्रैक्टर को देखेगा तो उसे मार डालने की धमकी देगा।
इसका फायदा उठाकर हम अल्फोंस की मदद से कॉन्ट्रैक्टर को खत्म कर देंगे और इल्जाम बिरजू पांडे पर डाल देंगे। अभी वो ये काम नहीं करता है। क्या? जब से उसका बेटा मरा है वो बहुत टूट गया है। बेटे के मरने पर इतना ज्यादा दुख होता है? बिल्कुल, बेटे का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। 15 साल पहले अपने बाप की मौत पर बिरजू पांडे रोया होगा, उसके बाद उसके घर में कोई मौत नहीं हुई ना, इसीलिए इतनी हिम्मत है। अगर उसे तोड़ना है तो उसके बेटे को मारना होगा। उसका बेटा गांव में नहीं है, वो सिकरी में काम कर रहा है। तब तो काम और भी आसान हो गया। ए, सिकरी में अपने अम्मू को फोन लगा। नेताजी का फोन आ रहा है। कैसा है अम्मू? बोलिए नेताजी, याद कैसे किया? घबराइए नहीं, सब देख लूंगा। ए, अपने पीटर को आने के लिए बोल। लड़के का नाम श्रवण है, आरके रियल एस्टेट में काम करता है। तुम्हारी और उसकी पुरानी दुश्मनी थी इसलिए तूने उसे मारा, ऐसा रिकॉर्ड में आना चाहिए। ये मर्डर प्लान किया हुआ नहीं लगना चाहिए, समय की कोई पाबंदी नहीं, आराम से काम कर अपने तरीके से। ठीक है भाई। ये पैसों के लिए नहीं, इज्जत के लिए कर रहे हैं, कोई चूक नहीं। क्या कहा बिना पैसे के? कौन है ये? MLA राजकिशोर, यहाँ सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, कभी भी मंत्री बन सकता है। ठीक है भाई। अरे सुनो, श्रवण को ले जाकर समयपुर का पूरा लेआउट दिखा दो। जी भैया। कुमार, एयरपोर्ट के पास 4 प्लाट सेल के लिए हैं, उसे देखने के लिए मलेशिया से लोग आ रहे हैं। आसपास के लोगों को मत मिलने देना, काम खराब कर देंगे। एयरपोर्ट के पास प्लॉट खरीदा है? सिकरी एयरपोर्ट को बड़ा करने के लिए आसपास की जमीन गवर्नमेंट लेने वाली है। अरे क्या बात करता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमने स्टे ऑर्डर ले रखा है। यार वो देख, मैंने उस दिन कहा था ना एक लड़की को देखा था, शायद वो इसी कॉलेज में पढ़ती है। वो तुम्हें नहीं जानती बोली थी ना। भीख भी बिल्कुल वैसे ही दे रही है। भीख मांगने वालों का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन भीख देने वालों का तरीका एक ही होता है। भीख देने का एक और तरीका है, ये ले। भैया तू भी आ गया। जब से तू गांव छोड़कर आया है गांव सूना सूना हो गया है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ यही रहूं, इसलिए नहा धोकर आ गया। सुना यहाँ एक बेल कंपनी है, सोचा साइकिलों के लिए 10 बेल खरीद लूं। उसी बहाने मुझसे मिलने आ और गया। नहीं तो क्या। भैया वो साइकिल वाला गणेश वहाँ आया है क्या? हाँ श्रुति। उसने कहा होगा कि वो तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। वो तुम्हारी जासूसी करने आया है। क्या? दरअसल पिताजी ने तुम पर नजर रखने के लिए उसे भेजा है वहाँ पर। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं देख लूंगा। अच्छा मैंने सुना है वो सही है क्या? यहाँ हमारे जीजा जी का ईरल स्टेट का बिजनेस है। रियल स्टेट। ईरल स्टेट। रियल। रियल ईरल। अच्छा बता, मारने वाले को छोड़ सकते हैं लेकिन जासूसी करने वाले को छोड़ना चाहिए? दुश्मन को माफ कर सकते हैं लेकिन धोखेबाज को कभी नहीं। मेरे बाप की बात मानकर यहाँ तक आया ठीक है, लेकिन तुझे यहाँ आते ही मुझे बताना चाहिए था कि तू यहाँ किस लिए आया है। तुझे पता नहीं कि यहाँ बेल बनाने वाली कंपनी है? साइकिल की घंटी लेने यहाँ तक चलाया? यहाँ पे जासूसी करने आया और मुझसे झूठ बोलता है? झूठ बोलता है? बेल खरीदने आया, तेरी बेल बजा दूंगा। कौन है रे? अरे जीजा जी कैसे हैं आप? तू भी आ गया? सारे के सारे बेकार लोगों को मुझे ही खाना डालना पड़ता है। कल से 1 किलो ज्यादा चारा मंगवाना। ठीक है भैया। तूने उसे अभी भैया कहा, लेकिन रिश्ते में तो वो तेरा चाचा है ना? तू जानता नहीं यहाँ सब उल्टा ही हो रहा है। चाचा को मामा कहते हैं, जीजा को साला कहते हैं, चाची को भाभी कहते हैं और दादा को क्या कहते हैं। अरे चुप करो चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ए भैया, जीजा जी ने ऑफिस देखने के लिए कहा था और तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? ऑफिस ही तो देख रहा हूँ। ए मुझे क्या बेवकूफ समझा है, यहाँ से ऑफिस कैसे देख लोगे तुम? तू जानता है ऑफिस में से ऑफिस देख सकते हैं? नहीं जानता। अब यहाँ से देख, कितनी अच्छी तरह पूरा ऑफिस दिख रहा है ना। वो फोन नहीं उठा रही। हाँ उसी को मैसेज कर रही हूँ। ये राधिका उधर मत देखना, वो कल वाला लड़का तुम्हें ही देख रहा है। लेकिन तुमने उसे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? बचपन में उसने गणित के मास्टर को पत्थर से मारा था, गुंडा है वो। अगर उसे पता चल गया कि मैं ही राधिका हूँ तो पीछे ही पड़ जाएगा।
हाय राधिका। तुम फिर से आ गए? मैंने कहा ना मैं राधिका नहीं हूँ। तुम ही राधिका हो। अगर तुम मंदिर को मस्जिद कहोगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? मंदिर को मस्जिद मस्जिद नहीं कहूंगा, मंदिर को मंदिर ही कहूंगा। ए, मजाक वजाक बंद करो, बोलो क्या काम है? तुम्हारे गांव में शिवगंगा के पास बरगद का पेड़ है ना? ऐसा मत कहो, इसका मतलब तुम जानते हो? नहीं, मैं वो नहीं जानता, पर हाँ ये जानता हूँ कि ये राधिका है। हेलो, मेरा नाम दीपिका है और मैं झारखंड से हूँ। अब मजाक मत करो, तुम भी क्या हीरोइन का नाम लेने लगी? तो मैं भी हीरो हूँ, मैं शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, सब कुछ मैं ही हूँ। और तुम हीरोइन बन जाओ ना, दीपिका, प्रियंका, करीना, कटरीना, बॉलीवुड में चली जाओ। बचपन में भी ऐसी ही छोटी बिंदी लगाती थी और आज भी बिल्कुल वैसी ही बिंदी लगाती हो। ए, बिंदी दो ही तरह की होला, या ता लंबी या ता गोल, ई में से एक ही लगा सकत है। और तू अपनी बकवास बंद करा, हम तोरा से कौनो बात करे के ना चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छी भोजपुरी बोल लेती हो। वो तो मैं जल्दी आना, बस जाने वाली है। किस्मत खुल ही गई, मिली है मुझे सुंदर एक लड़की, देखना यो तू मुझे, मर ही जाऊं मैं कहीं। किस्मत खुल ही गई, मिली है मुझे सुंदर एक लड़की, देखना यो तू मुझे, मर ही जाऊं मैं कहीं। होठों से रस बरसे, वो खिलते गुलाब के जैसे, देख के मुझको वो शर्मा जाती है। तुझे मैं देखूं, मैं निहारूं और खो जाऊंगा, तू है परियों जैसी जान मेरी, तुझको मैं पाऊंगा। मुझे सुंदर एक लड़की, देखना यो तू मुझे, मर ही जाऊं मैं कहीं। सुंदर एक लड़की, देखना यू तू मुझे, मर ही जाऊं मैं कहीं। खुल ही गई।
मिली है मुझे सुंदर एक लड़की, देख ना यूं तो मुझे मर ही जाऊं। अन्ना हजारे को सबका समर्थन। भगवान, हैंडल टेढ़ा हो गया तो सीधा कर देते हैं। अरे यार, जैसे कुत्ते बिजली का खंभा देखकर पैर उठाते हैं, वैसे ही हैंडल टेढ़ा देखकर तू क्यों टांगा रहता है? प्राइवेट क्लिनिक। हाँ, डॉक्टर के पास ना। हाँ चल आइए। तो पहले ही डॉक्टर के पास क्यों ले आए तुम लोग? आपको क्या तकलीफ है? इन्हें चोट लग गई है। आपको चोट कहाँ लगी है? आज से पहले साइकिल वाला टोक देता था तो ट्यूब पंचर होती थी, लेकिन आज कार वाले का बैलेंस बिगड़ गया और उसने ठोक दिया, मेरा टायर बस्ट हो गया है। तब तो आपको पंचर की दुकान पर जाना चाहिए था। अरे डॉक्टर से या वकील से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, सब खुलकर बोलना चाहिए। खुलकर बोलूंगा तो आप सहन नहीं कर पाएंगी डॉक्टर। कहाँ चोट लगी है? हाथ में, पैर में, जहाँ भी लगी हो ठीक कर दूंगी। चलिए आप अंदर आइए, मैं चेक करती। कहाँ चोट लगी है? खुल के बताया तो बेहोश हो गई। क्यों श्रवण, हम लोगों को ब्रांडी पिला रहे हो और तुम खुद बियर पी रहे हो? बोलो। तुम लोग मस्ती के लिए शराब पीते हो और मैं तो डाइट के लिए पीता हूँ। अच्छा, बियर पीने से डाइट होती है क्या? बोलो। जैसे मोटे लोग रोटी चपाती खाकर डाइट करते हैं, वैसे ही अच्छा? पतले लोग बियर पीकर मोटा होने के लिए डाइट करते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बीच में फोन किसे कर रहे हो? राधिका को लव मैसेज भेज रहा हूँ। 2 दिन हुए नहीं लड़की को देखे और लव हो गया? ये 10 साल पुराना पपी लव है। चिकन लव, कॉफी लव। क्या कहा, कॉफी लव? मतलब? अरे भाई, बचपन में अगर किसी लड़की से प्यार करते हैं तो कुछ कुछ होता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, दिल में कुछ कुछ होता है लेकिन समझ में नहीं आता। अरे बाप रे, मालिक का फोन। वहाँ जाके बात कर। वहाँ वहाँ जा। जी मालिक। वहाँ सब लोग क्या कर रहे हो? सब मिलकर पानी मिलाकर। मैं समझा नहीं। वो क्या है ना मालिक, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए 4 बोतल पानी लाकर हम सब लोग नहा रहे हैं। नहीं, मेरा क्या मतलब है कि हम लोग पी रहे हैं। पीने से पहले अच्छी तरह उबाल लेना। सही कहा मालिक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। कुछ लोग तो एकदम गर्मा गर्म पी रहे हैं और कुछ लोग तो मालिक ठंडा करके पी रहे हैं। मेरा बेटा अच्छी तरह खाना तो खा रहा है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, आजकल आपका बेटा डाइट मेंटेन कर रहा है। कैसी डाइट? बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयाँ खा रहा है वो। ऐसी बात है, अगर दवा अच्छी हो तो यहाँ भी 10 पैकेट भेजने के लिए बोलो, उसकी माँ को भी दे दूंगा। वो दवा पैकेट में नहीं बोतल में आती है मालिक, कुरियर से भेजेंगे तो वो लोग उसे तोड़ देंगे। जब मैं आऊँगा ना तो अपने साथ लेता आऊँगा। ठीक है, श्रवण को फोन दो। फोन में कौन सी बदबू आने वाली बे? पिताजी। बेटा तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है, टाइम मिले तो जाके पोस्ट ऑफिस से पासपोर्ट ले आना। ठीक है पिताजी। जयंती, कल मैंने तुझे जो पिक्चर मैसेज भेजा था वो तूने श्रवण को भेज दिया? हाँ, तो पता है क्या हुआ, उसने जवाब में आई लाइक यू लिखकर भेजा है। ठीक है, तुम्हारे पैर पे निशान है ऐसा बोला था, देखा क्या तुमने? हाँ देखा। क्यों देखा? मेरा निशान मैं क्यों ना देखूं? वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले कितनी बार देखा है? कभी कभी देखती थी। उसके कहते ही तुमने देख लिया ना? हाँ। तो फिर हम कितनी बार आईना देखते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे कि तुम बहुत सुंदर हो तो हम हर समय आईने के सामने निहारते रहते हैं, तब पागलपन छाने लगता है, उससे प्यार होने लगता है और उसे बताना चाहती हो लेकिन परेशानी शुरू हो जाती है और उसे देखे बगैर हम रह नहीं पाते हैं, और फिर उसके बाद सुसाइड करने की ना बता जाती और फिर टेंशन बढ़ने लगती है। मेरी माँ, मुझे श्राप मत दे। कॉलेज आ गया, चलो उतरो। राधिका कैसी हो? क्या चाहिए तुम्हें? अचानक पूछोगी तो क्या मांगूंगा, है ना? सही कहा ना जयंती, कल रात को मेरे मोबाइल पर फालतू के मैसेज भेजते रहे, इतने मैसेज करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें इस बात की परमिशन किसने दी? किससे परमिशन लेनी है, तुम्हारे पिताजी से, माँ से, प्रोफेसर से? ये बताओ तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं, सिकरी में या शिवगंगा में? उनका नंबर दो। ए, बेकार में उसके पिताजी के बारे में पूछ लिया। मैंने उसके पिताजी का अपमान कर दिया क्या? अरे उसके पिताजी नहीं है, बचपन में ही गुजर गए हैं, उनकी याद ना आए इसलिए वो अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करती है। सॉरी कह दूंगा,
तुम मेरे लव के बारे में उससे बात करना तो देखो तुम भी मेरे फ्रेंड हो वो भी मेरी फ्रेंड है अगर तुम कहोगे उसे पूछने के लिए और अगर उसने इनकार कर दिया फिर तुम कहोगे उससे पूछो इससे अच्छा है तुम खुद ही बात कर लो ठीक है मैं खुद बात कर लूंगा बस एक काम करना शाम को गीतांजलि रेस्टोरेंट में आने के लिए कहना उससे बात कर लूंगा फिर कभी उसके पास नहीं जाऊंगा ठीक है ठीक है भैया ये बात मालिक को बताना है कि नहीं बताना यही सोच रहा हूँ जासूसी कर रहा है क्या सुधरेगा नहीं किसी घर में बाप रफ होता है तो बेटा सॉफ्ट होता है किसी का बेटा रफ होता है तो बाप सॉफ्ट होता है तुम्हारे घर में तो दोनों ही रफ हो मैं तो तुम दोनों के चक्कर में फंस के पिस गया हूँ यार एक काम कर पहाड़ पे जा भगवान से प्रार्थना कर वहाँ से कूद जा सब ठीक हो जाएगा इतना भी पागल थोड़ी हूँ ज्योति लेकिन ये बता कि मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ राधिका वो ये बताना चाहता है कि वो तुमसे प्यार करता है अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा ना मैं तेरी बात नहीं समझी सिंपल सी बात है तुझे समझ में नहीं आती देख राधिका मना करने से वो नहीं मानेगा तू अच्छी तरह से उसे समझाएगी तो समझ जाएगा हम उसे बचपन से जानते हैं तू जानती है ना तो फिर घबराती क्यों है साफ साफ जाकर बता दे सब ठीक हो जाएगा आइए सर आइए आप लोग अंदर चले जाइए इतनी परेशान क्यों हो आराम से बैठो तुम्हारे पिताजी के बारे में बोला उसके लिए सॉरी ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया क्या बात है बचपन में आठवीं क्लास से ही तुमको लव करता हूँ पर कैसे कहूँ कुछ समझ नहीं पा रहा था तो एमडी कहेगा तुम्हारी परेशानी है चलो बैठो एक दिन तुम स्कूल नहीं आई मैंने पूरा स्कूल ढूंढा सबको तुम्हारे बारे में पूछा किसी को पता नहीं था फिर पढ़ाई के टेंशन में सब भूल गया और जब तुम्हें बस में देखा तो सब कुछ याद आ गया बस में एक नजर देखा तो पहचान लिया कि तुम राधिका हो मैं बस यही कहना तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता मेरी माँ मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ा रही हैं मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती प्यार के नाम पर बाइक्स पर घूमना सिनेमा देखना गार्डन में हाथों में हाथ डालकर घूमना ये सब मुझे पसंद नहीं है अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे ओके मैं जो भी कह रही हूँ तुम समझने की कोशिश करो तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि इन सब बातों को दिमाग से निकालो। ए, अकल नहीं है क्या दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं ऐसे झांक रहे हो मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी आप मुझसे बात कीजिए इस तरह चुप मत रहिए आप मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है गलत काम नहीं किया है ना तो उसके साथ अकेले होटल तक क्यों गए विश्वास कीजिए मामी जी मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है जब तक तुम यहाँ हो जैसे चाहो रह सकती हो लेकिन आज के बाद मुझसे बात मत करना हमारे इस पवित्र भारत देश में ये चड्डी पहन के घूम रही है अभी बताता हूँ रुक जा रुक जा बाथरूम से नहाकर बिना कपड़ा पहने यहाँ धूप में कपड़ा सुखाने के लिए आई है क्या इतना पेस रहे अच्छा अच्छा बाहर की हो तभी तो मैं बोलूं हमारे यहाँ की लड़कियाँ तो ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती तुम लोग यहाँ के ऐसे कपड़े पहन के हमारे यहाँ की लड़कियों को क्यों बर्बाद कर रहे हो डोंट टॉक टू मच थ्री मच भी बोलूंगा बे ऐसे कपड़े पहन रही है जांग दिख रही है टांग दिख रही है मटक मटक के चल रही है हमारे को सबको बर्बाद करना चाहती लड़कियों से क्या बदतमीजी कर रहा है ए मैडम इन लोगों को देखो आधी नंगी लड़कियां घूम रही और आप मुझे डांट रही हो ज्यादा बात करेगा तो तुझे ईव टीजिंग दहेज उत्पीड़न सास उत्पीड़न भाई उत्पीड़न साला उत्पीड़न ससुर उत्पीड़न लड़की छेड़ना पुलिस को तंग करना पब्लिक जमा करना ये सब मामले में तेरे को अंदर कर मैडम औरतों को बचाने के लिए तो आपने इतने सारे कानून बता दिए मर्दों को बचाने के लिए एक भी नहीं है तो मुझे ये कमीज भी नहीं चाहिए मुझे लुंगी भी नहीं चाहिए और सेमेस्टर एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो माँ के साथ एक हफ्ता रह कर आऊंगी मैं तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो क्या तुम्हें मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती मेरे मामा जी ने मुझे गलत समझा इतने सालों से जिस मामी जी ने मुझे माँ की तरह रखा उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं तुमसे बस यही कहने आया था कि आज के बाद कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा जब मैंने तुम्हें पहली बार बस में देखा तो पूछा कि क्या तुम राधिका हो अगर उस दिन हाँ कह दिया तो मैं तुम्हें हाय कह के चला जाता तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे पीछे आया तुम्हारा इनकार मुझे इकरार लगा
शायद मुझसे गलती हो गई। बाइक पर घूमना, सिनेमा जाना, गार्डन में जाकर बैठना, इस तरह के प्यार के बारे में मैं भी बिल्कुल नहीं जानता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज से ठीक 6 महीने बाद तुमसे बस 2 मिनट के लिए मिलूंगा। अगर तुमने शादी के लिए हाँ कहा तो ठीक है, वरना अपनी किस्मत समझकर चला जाऊंगा। अगर मर्द पर मुसीबत आती है तो उस तक ही रहती है, लेकिन लड़की पर मुसीबत आती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। मेरी भी एक बहन है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाना मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। तोड़ दिया दिल, क्या हुआ तुझको हाँ से, अब मैं चल पड़ा हूँ तेरी दुनिया से दो, गुना हुआ चाहत का एक महल बनाया था, गुना हुआ उसमें मैंने तुझे बिठाया था, गुना हुआ सपने तेरे संग जीने का देखा था, गुना हुआ तुझे अपनी जान समझ में बैठा था, गुना हुआ चाहत का एक महल तेरे पिताजी को गुजरे 10 साल हो गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। 10 साल 10 मिनट की तरह चले गए। रो मत बेटी, रो मत। क्यों रो रही हो तुम लोग? मेरा बेटा मर गया इसलिए? नहीं बेटा, तू मेरी पोती नहीं, मेरा पोता है। हिम्मत से काम लो, दिल में विश्वास रखो, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। अरे जल्दी कीजिए, अगर ये बस छूट गई तो ऊपर में ही बस मिलेगी। दूसरी जात वालों को क्यों शामिल किया गया? क्या हुआ? मालिक मुझे ही देख रहे हैं। यही वजह है कि तेरी शादी नहीं होती है। माँ जी आप देखिए, आप देखिए मुझे, देखिए। क्यों भगवान, यहाँ क्या चल रहा है? बिल्ली बैठी है, कुत्ता चल रहा है, मैं चल रही हूँ, आप चल रहे हैं? वो सब तो ठीक है, ये मुसद्दी की मछली करी को लेकर यहाँ वहाँ चल रहा है ना, वो क्या बात है? क्या मछली की करी? रे रे रे। ओ, ओ, क्या है? मैं तुम्हारी मछली करी की खुशबू सूंघ नहीं सकता या फिर ढोल की आवाज सुन नहीं सकता? मैं श्रवण के लिए भेज रही थी, कभी कभी भेज दिया करती हूँ, उसको मछली की करी बहुत पसंद है ना। तुम्हें अकल है या नहीं है? अगर उसमें कोई कुछ मिला दे तो क्या होगा? 2 मिनट के अंदर तुम्हारी खत्म हो जाएगी कहानी किस्मत की। अरे बाप रे, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। खा ले मेरे भाई, खा ले। इतनी गर्मी में इतने परेशान होके तू खाना लाया, पहले तू खा ले। तू मुझे कितना भी मारे पीटे, लेकिन खाने के वक्त हमेशा तू मुझे पहले खाना खिलाता है। मैं तेरे इस प्यार पे मर मिटा हूँ मेरे दोस्त, मर मिटा हूँ। क्यों गणेश, खाना टेस्टी है ना? अबे माँ ने बनाया तो अच्छा ही होगा ना। हाँ हाँ, खा खा। तुझे चक्कर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं भैया, मुझे लग रहा है तुझे चक्कर आ रहा है। वो किस लिए? सच कहूँ तो मुझे लगा कि हमारे दुश्मनों ने खाने में जहर मिलाया है, इसलिए तुझे पहले खिला दिया, खाने की थोड़ी टेस्टिंग हो जाए, है ना? क्या खाने में जहर है कि नहीं है उसका टेस्ट करने के लिए तूने मुझे चुना? यही तेरा प्यार है? 100 मील दूर से खाना आता है और तुमको इसकी कदर भी नहीं है। जिया जी, सादा भोजन उच्च विचार, खाओ ना। शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। तो क्या खाओगे हमारा भेजा? मेरी सारी जमा पूंजी इसी जमीन पर लगी थी, हमारा पूरा भरोसा 7 लाख रुपए पर था। इस नोटिस को देख कर लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। फिक्र मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता।
क्लास में नहीं आई, यहाँ क्या कर रही है? घर में बहुत टेंशन चल रही है। क्या हुआ? कुछ दिनों पहले मेरे मामा जी ने एयरपोर्ट के पास 2 ग्राउंड जमीन खरीदी थी। अचानक से नोटिस आया है कि एयरपोर्ट को बड़ा करने वाले हैं। पूरा परिवार परेशान है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये बताओ राधिका, जमीन किससे ली थी? श्रवण, क्या हुआ जयंती? मैंने तुम्हें ये बात बताई, राधिका को पता नहीं चलना चाहिए। फोन रखो, मैं देख लूंगा। जासूसी कर रहा था। क्या बात है, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ए चाचा, ए तमीज से बात कर मुझसे। सुनो, कितनी बार कहा था उस एयरपोर्ट वाली जमीन को किसी को दिखाना मत, लेकिन तुम समझे नहीं। वो जमीन के कागजात तैयार किए और महुआ के रामनाथ को बेच दी। एयरपोर्ट को बढ़ाने का नोटिस मिलते ही वो पूरे परिवार के साथ मरने के लिए रस्सी लेने गया है। तुझे हाय लगी? अकेले नहीं खरीदी है, 160 लोगों ने मिलकर खरीदी है। उनके बारे में मुझे परवाह नहीं है, रामनाथ के बारे में बताओ। हमारे स्टे को एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले नहीं मानेंगे तो हम इसके लिए कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। सुन गणेश, हाँ? जल्दी जैसे भी राव को फोन लगा। लगाता हूँ। अच्छा चाचा, पिछले साल गांव में घर बनाया था, खर्चा कितना हुआ था? 20 लाख। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे? उस 20 लाख के घर को 4,000 में फिक्स कर दूंगा। क्या कहा? आधे घंटे जेसीबी के लिए 3,000, पेट्रोल के लिए 1,000, तोड़ने के लिए कह दूंगा, तोड़ देंगे, सिंपल है। क्या बकवास कर रहा है? जेसीबी राव साहब हैं क्या? हाँ, उनको जरा बोलिए 6 घंटे के लिए वो चाहिए लाइन पे बने रहे। मेरा काम कर दो वरना जेसीबी घर में घुस जाएगा। एक नया घर तैयार हुआ है, उस घर को तोड़ना है। नए घर को क्यों तोड़ना है? उसका वास्तु सही नहीं है ना? अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा? वो रोता हुआ परिवार मुस्कुराना चाहिए, वरना डीजल डाल के तैयार है। अरे फोन बंद करना। देखिए सर, आपने 2 साल पहले जमीन को 7 लाख में खरीदा था, मैं जानता हूँ। आज इसकी कीमत भले ही 10 लाख रुपए, लेकिन मैं आपको 8 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। चलो साइन करवा। ये लीजिए। थैंक्स सर। अगर किसी मंत्री के पास गए होते तो मैं कभी नहीं डरता, लेकिन इन लड़कों के पास किन से? सेल फोन से इतने बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। बोल राधिका, वो जमीन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओनर खुद ही आकर सेटल करके चला गया, किसी ने रेकमेंड किया था। समझ नहीं आ रहा कि खुशी के मारे क्या करूं। एक काम कर, सिद्धिविनायक मंदिर जा, प्रसाद चढ़ा, नारियल चढ़ा, तेरे मन को शांति मिलेगी। ठीक है। आपने सही कहा, एमएलए साहब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। नदी से बालू निकालने का कॉन्ट्रैक्ट इसने अपने बेनामी कंपनी के नाम पर ले रखा है। हर दिन 250 गाड़ी का परमिट लेकर 400 से 500 गाड़ी निकाल रहे हैं। सारा बालू दमन से हैदराबाद जा रहा है, वो भी ट्रकों में भरकर। हमने सारे चेक पोस्ट पर पूछताछ कर ली है। तहसीलदार को मैं साथ लाया हूँ। बुलाओ। बताइए सर। साहब नमस्ते। ये सब क्या हो रहा है? राजनेताओं के सामने हम क्या कर सकते हैं सर? एक सरकारी ऑफिसर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे जिले में नदी का पानी बिल्कुल ही नहीं आता, जिसके कारण खेती करना मुश्किल हो गया। अब रह गई बात वहाँ के बालू की। अगर ये लोग बालू निकाल लेंगे तो क्या होगा? पानी कहाँ से आएगा? नदी से बालू निकालना माँ के गर्भ को उजाड़ने के समान होता है। कहाँ है राजकिशोर? बेटा, अभी उससे कुछ भी पूछोगे तो कहेगा वो कुछ नहीं जानता, सब उसके बेनामी कंपनी के नाम पर हो रहा है। थोड़ा धीरज रखेंगे तो उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। ठीक है भैया, आपके लिए एक मैसेज आया है। क्या है? P फॉर पॉकेटमार, T फॉर तड़ीपर, C फॉर चोर, G फॉर गुंडा लिखा है। किसने भेजा है? सेकंड ईयर का अशोक। कहाँ है अशोक? अशोक कहाँ है? निकल बाहर! अरे अशोक कहाँ है? मैंने नहीं किया, बसंत ने किया है। चलो रे, सब लोग यहाँ जल्दी आओ, पूरा कॉलेज वाले इधर आओ। किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था भैया? नहीं पता तेरे को? 3-0-3-0 सबको मार खानी पड़ेगी। मैंने फॉरवर्ड किया था। सबका मोबाइल चेक करे, किसने भेजा? कल कैंटीन में मैंने मंजू को भेजा था और पता नहीं उसने किस किस को फॉरवर्ड कर दिया। क्या किया तुमने? अगर किसी के इनबॉक्स में ये मैसेज मिला तो उसे नंगा करके खड़ा कर दूंगा। बोलो जयंती। Hey, ये किसका नंबर है? उस मैसेज को मेरे नंबर पर भेजो, मैं राधिका को फॉरवर्ड करता हूँ, उसे डिलीट मत करना। क्या रे, ये नंबर तेरा है? ये किसका मोबाइल बज रहा है? श्रवण का मैसेज। नहीं आ रहा। चुप करना। मुझे नहीं पता भाई। मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता। तब पता नहीं चलेगा। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। सर, मैंने कुछ नहीं किया। इसका मोबाइल चेक करो। मंजू भेजिए भाई। तुमको किसने मैसेज भेजा था? राधिका। तूने मैसेज भेजा था? वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। मैंने 9824446 12। ये किसका फोन नंबर है? मुझे नहीं पता। किसका नंबर है ये? बॉस, मेरा नंबर बॉस। वो मैसेज मैंने तैयार किया था। सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ। चलो।
क्या कर रहे हैं आप? चल ना, अभी जाकर सच बता देती हूँ। तू जाकर सच बताएगी ना तो और परेशानी बढ़ जाएगी। चल यहाँ से। पीटर जाने दो उसे। पीटर छोड़ो, समझा दे इसको। पीटर जानते हो ये कौन है? चाचा कुछ मत कहिए, गलती मेरी है। गलती है? मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। लेकर जाओ इसे। जानता नहीं किससे पंगा ले रहा। आओ श्रवण, आओ। क्यों भैया, उसने तुझे मारा और तू उसे छोड़ देगा? और जीजा जी, तुम भी देखते रहे ना, इस शहर में काम करने से तो अच्छा है कि गांव जाके गाय का गोबर उठाओ, उससे कुछ पुण्य मिलेगा। बकवास बंद कर। मुझसे क्या कह रहा है, इसने बेकार का मैसेज क्यों भेजा? वो तो ऐसे ही मैसेज भेजेगा, पर तुम्हें तो उसको बचाना चाहिए था ना। गणेश शांत हो जा। और तू रे कमीने, तू भी खड़े खड़े देख रहा था, चले में नमक छिड़कने का काम कर रहा था। बस भी कर। क्या बस कर, बस कर। तेरे मन में जो आएगा वो तू करेगा ना, तो मैं भी अभी मालिक को फोन करता हूँ और बताता हूँ सब कुछ कि क्या कर रहा है तू। फोन छीन लेगा तो क्या पीसीओ खत्म हो गया? मैं पीसीओ जाके फोन कर लूंगा, लेकिन मालिक को सब कुछ जरूर बताऊंगा। मैं इसलिए शांत बैठा हूँ कि बात बढ़ेगी तो उस लड़की को कुछ हो ना जाए। तू चिल्लाए जा रहा है, मार डालूंगा। मार डालना है तो मार डाल, लेकिन मैं भी इस शहर को छोड़ के जाने से पहले उसे तेरे पैरों में नहीं गिराया ना तो मेरा नाम बदल देना तू। ये सब क्या है सर? उस टीचर ने सीधे कमिश्नर से कंप्लेंट कर दिया। उस टीचर की तो पेंट बजा दूंगा मैं। चुपचाप तू अरेस्ट हो जा। एक हफ्ते बाद ये फाइल इस टेबल से वहाँ चली जाएगी और तुझे बेल मिल जाएगी, नहीं तो कमिश्नर तेरे पीछे पड़ जाएगा, समझा क्या? ठीक है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है जयंती, एक हफ्ते से सो नहीं पा रही हूँ। मेरी गलती की सजा उसे मिली इस बात से बहुत दुख हो रहा है। पता है मैंने 4 बार सॉरी मैसेज भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि मुझे खुद उसके पास जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। अच्छा, जब सॉरी कहने जाओगी तो थैंक्स भी कह देना। थैंक्स किस लिए? उस दिन जमीन के मालिक ने जो पैसे दिए थे उसके लिए रेकमेंड करने वाला और कोई नहीं, श्रवण ही था। उसी ने अपने मालिक से बात करके तुम्हारे पैसे लौटाने का इंतजाम किया। राधिका, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ पर है। क्या सोच रही हो? कुछ अच्छा ही सोच रही हूँ। श्रवण से मिलकर सॉरी कहने वाली हो? नहीं, मैं उसे हाँ कहने वाली हूँ। हे, यस, आई वांट टू कन्वे माय लव। लव? हाँ, उसका अप्रोच शायद ठीक नहीं था लेकिन उसके कैरेक्टर ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। मुझे उससे मिलना है। 6 महीने बाद वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, ऐसा उसने कहा था। उस दिन मैंने कैलेंडर देखा तो 1 अप्रैल थी, फुल्स डे। मुझे लगा कहीं श्रवण को धोखा ना मिले, लेकिन तुमने अपना फैसला बदल कर बहुत अच्छा किया। ए श्रवण, पीटर आज जेल से आ रहा है, तुम यहाँ रुको मत, चले जाओ। डरपोक कहीं के, वो मेरे पास नहीं आएगा, उस मास्टर के पास जाएगा, उसने बेकार में जाकर कंप्लेंट की। कम से कम कोई तो हिम्मत वाला है यहाँ पर। सुन, जाकर देख कॉलेज में क्या हो रहा है। ए, तो वाकई में गुस्से में या लुंगी में कुछ गंदा गंदा कर लिया इसलिए हिल नहीं पा रहा है? ए मास्टर, चल बाहर आ। ए स्वामीनाथ, बाहर आ। इधर है वो टीचर, बाहर निकल। अरे मास्टर, तूने कंप्लेंट की? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी कंप्लेंट की तूने? हाँ, तेरे कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता है और तू एक मामूली सा मास्टर होकर मेरी शिकायत कर रहा है? हाँ? देखिए जी, इन्हें इन्हें कुछ मत कहना। है क्या? चुपचाप कोने में खड़ी होकर तमाशा देख, और तेरी औकात क्या है रे? तू कोई जासूस है? पुलिस का दल्ला है तू? बोल बोल क्या है तू? जाने दे, जाने दे। ये अपने आप को समझता क्या है? मेरी शिकायत करेगा? क्या कहा, क्या कहा था तूने? मुझे गुंडा कहा था तूने? नहीं बोलेगा ना तू? देखिए जी, इन्हें। तो एक काम कर, वहाँ बोर्ड पर जाकर लिख दे कि मैं गुंडा हूँ। जा लिख दे, जा जा ना। नहीं 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 भैया, छोड़ दो इन्हें, इन्हें कुछ मत करना। मैं आपके यहाँ छोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, इन्हें कुछ मत करना, ये मेरे पति हैं। भाई, इसने तो ब्लैक बोर्ड पर गुंडा लिख दिया। अब
अरे तेरी तो नहीं नहीं देख गुंडा क्या हो सर पुलिस को इन्फॉर्म कर दें क्या? एक तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और जो मार रहा है उसको भी रोकने के लिए कह रहे हो। तुम यहां से चले जाओ, वो लोग वापस आएंगे तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही है भाई, मार साले को। बिरजू पांडे, ए रुक जा। पिताजी, पिताजी, इसका मतलब ये बिरजू पांडे का बेटा? भैया गलती हो गई, भैया भैया माफ कर दो भैया, गलती हो गई। राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात क्या है बताओ? इस बेवकूफ ने आपके बेटे के साथ मारपीट की और मुझे भी फंसा दिया भैया। भैया माफ कर दो। खेलना भी हो तो किसके साथ खेल रहे हो ये देख कर खेलना। आगे से मेरे बेटे से किसी भी तरह की बदतमीजी की तो काट कर नदी में फेंकवा दूंगा। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ भैया। चल यहाँ से, चल। भैया आज के बाद आपके बेटे से कोई नहीं उलझेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप जाइए भैया, मैं देख लूंगा। अरे ये क्या कर दिया आपने? आपने तो बोला था कि किसी अमीर बाप का बेटा है, वो तो बिरजू पांडे का बेटा निकला। थोड़ा सा मिस हो जाता ना भाई तो अपने लोगों के साथ साथ मेरे भी सर से गोली पार हो जाती। भैया भैया फोन रखता हूँ, आज के बाद से ये मामला मेरे सामने नहीं आना चाहिए। हाँ भैया। 50,000 का फोन गया। मैंने जो भी सोचा था सब गलत निकला। वो इतना गुस्से वाला है, कैसे जंगली की तरह लड़ाई लड़ रहा था। मुझे पता नहीं था कि उसका परिवार ऐसा। ऐसा क्यों कह रही है? मैंने गलत फैसला ले लिया। बकवास मत कर राधिका। मैं इस बात को अपने तक ही रखूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सब कुछ एक सपने जैसा था, एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। क्या बात है भैया, इतनी सुबह सुबह आ रहे हैं? राज किशोर सीकरी के पास 7 करोड़ की जमीन खरीदने वाला है, आज उसकी रजिस्ट्री करवाने वाला है, ये हमें पता चला है। सीकरी और रायगढ़ के बीच 120 एकड़ जमीन है। कौन सा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है? हाँ भाई बोलिए। मैं सीकरी में एक जमीन खरीदने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आ जाना। ओके भाई, ओके भाई। अरे भैया आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जमीन की रजिस्ट्री के लिए आया था। अच्छा, किसके पैसों से? तुझे विधायक बना कि लोगों की तू भलाई करेगा, लेकिन तू तो नदी की बालू चुरा कर अपना घर भर रहा है। देखिए भैया, आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। कितने की खरीदी है? 70 लाख रुपए की है। 70 लाख ही ना? हाँ भैया। उस गाड़ी को रोको। भैया
ये आप लोगों का मामला है, हमें बीच में मत डालिए। कुल रकम 7,30,00,000 रुपए है। हमारा परिवार बड़ा है, इस रकम से हमारी परेशानी दूर हो सकती है। भैया देखिए, हम पे मेहरबानी कीजिए। भैया हम आपके पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जब तक ये परेशानी दूर नहीं होती तब तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये रखिए ना। बता रहे, ये 7,00,00,000 रुपए कहाँ से आए? कौन सी दुकान से लाया तू? कौन से खेत में उगाया? वो मैंने अपनी पत्नी के कुछ जेवर बेचे, उसी पैसे से ये खरीदा था। तो तेरी पत्नी इतना सोना लेकर आई थी? देखिए भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आप ऐसे बात कर रहे हैं मुझसे। एमएलए मैं हूँ कि आप हैं? आपकी हर बात का जवाब देना पड़ता है। पार्टी चलाने के लिए क्या आपने घर से पैसा लगाया? मेरी बात मानकर 50,000 लोगों ने तुझे विधायक बनाया है, अब मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? पिताजी, मैंने सब कुछ सुन लिया, इसके लिए एक तरकीब है। बोलो क्या है? लोगों के पैसों से ली गई जमीन को ये अपने हाथों से ही यहाँ के लोगों के लिए दान में दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है पिताजी, इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी कम है, अभी कागज तैयार हो जाएंगे। ठीक है बेटा। चाचा मैं जो कह रहा हूँ वो टाइप कीजिए ना, 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर। गांव शिवगंगा, मेरा नाम है राजकिशोर, मेरी उम्र है 46 साल, अपनी सारी जायदाद यहाँ के गांव के लोगों को दान में दे रहा हूँ। इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हो गया, अंदर जाकर साइन कर दो, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। जाओ। राजकिशोर, जब से तू लोगों का पैसा चुराने लगा तब से तू एमएलए पद पर बने रहने का हक खो चुका है। 15 दिनों के अंदर अंदर तुझे इस्तीफा देना होगा और उपचुनाव भी कराना होगा। मेरी बात सुन, उपचुनाव तेरे इस्तीफा देने के बाद ही होगा, नहीं तो तेरी मौत के बाद होगा। जा। क्या बात है भैया, 4 दिन से आप यहीं पड़े हैं, दीदी बार बार आपके लिए फोन कर रही है। तो मैं वापस कैसे चला जाऊं? उसने मुझे थप्पड़ मारा, पूरे शिवगंगा को पता चल गया होगा। मान चली गई, मर्यादा चली गई और जो पैसा था वो भी चला गया। और तो और, उसके बेटे के उस आइडिया से मेरी सारी जायदाद चली गई। उसके बेटे को मारे बिना अगर गाँव गया तो मेरी पत्नी भी मुझे इज्जत नहीं देगी। उस अम्मू को यहाँ बुला। सुन, कल मैं पार्टी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, उस बिरजू पांडे के बेटे को मारना है। भैया ये काम हमसे मैं तुझसे करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बाहर से लोगों को बुला रहा हूँ, तुम बस वहाँ बैठकर तमाशा देखना, बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। जी भैया, लगता है ये आदमी हमें बिरजू पांडे के पास अटका कर छोड़ेगा, हर हाल में कल सुबह यहाँ से निकलना ही होगा। सुनिए, सीकरी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अनबू आया था, मुझे देखकर भाग गया। हमारे लड़कों में और उसके आदमियों में दुश्मनी है। अनबू राजकिशोर के रजिस्ट्रेशन में क्यों आया, इस पे मुझे शक हो रहा है। मालिक बोलिए। मालिक, अपने श्रवण और पीटर के बीच में क्या लफड़ा हुआ, सच बताना। मालिक, तूने मुझसे बहुत कुछ छिपाया है, अब चुपचाप सुन क्या रहा है। ये जान बूझ करके किया गया है या अंदर की कोई बात है? जब उसने चाय मुंह पर मारा था उसी समय हाथ काट देने थे। आपने ही तो कहा था कि किसी भी तरह के लफड़े में मत पड़ना। मेरी ही गलती है, मेरा बेटा मेरी बात मानकर चुप रहा। जाकर मैं इस अनबू राज को देखता हूँ। भाई अचानक से हम जा कर रहे हैं। अबे तू दिमाग मत लगा, बेटे को कुछ हो गया तो उसका बाप हमें छोड़ने वाला नहीं है। फोन भाई। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बोलिए भैया। अनबू कहाँ हो तुम? हाईवे पे हूँ। कोई बात भैया? मैं फोन काट रहा हूँ, तू वहाँ के लैंडलाइन से फोन कर मेरे को। किस लिए भैया? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने गांव में हो या नहीं। मैं अभी अभी यहाँ से निकला हूँ भैया। फिर झूठ बोल रहा है तू? पता नहीं कैसे पता चल जाता है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है भैया। उस राजकिशोर ने ही बाहर से कुछ लोगों को आपके बेटे को मारने के लिए बुलाया है। क्या बोला तूने? आपको नहीं पता भैया? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो सुन ले, सिकरी के एक एक कुंडो को काट के रख दूंगा मैं। भैया चल जल्दी से पहुँच। बेटा कहाँ पे हो तुम? म्युनिसिपल ऑफिस के पास हूँ पिताजी। पास में कोई पुलिस स्टेशन है? हाँ पुलिस स्टेशन पास में ही। वहाँ जाते ही फौरन मेरे इंस्पेक्टर से बात करवाओ। क्या बात है पिताजी? ए पकड़ो उसे, पकड़ो, जा रहा है, पकड़ो, रोक।
मारे तुम कहाँ पे हो भैया? क्या बात है? पता चला है कि वो पुलिस स्टेशन में आया ही नहीं। अपने लड़कों को बोलो फौरन उसे ढूंढने की कोशिश करें। बोलिए भैया। सिकरी में अपने लड़कों से उसे ढूंढने के लिए बोलो। जी भैया। पीटर सिकरी के चारों तरफ उसको ढूंढो, जाओ। उसे कुछ हुआ तो भैया हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ देखो, कोई खबर मिले तो तुरंत बताना। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। बेटा, आपका बेटा मार कर आया है, मार खाकर आता तो दुखी होने की बात थी। मेरा बेटा किसी भी समस्या में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन दुश्मनों ने उसे हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया। देखो अनबु, रोड पर आने जाने वाले सबने सेल में वीडियो बनाया है, शाम को सब पेपरों में छप जाएगा, रिमांड तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये लिखना इंस्पेक्टर साहब कि इसने अपनी रक्षा करने के लिए लोगों को काटा है, और ये भी लिखना कि इसने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है, तभी बेल मिलने में आसानी होगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन 15 दिन के लिए रिमांड पर लेना ही पड़ेगा, ये इंस्पेक्टर कह रहा है। भैया, मेरे 3-4 लोग अंदर हैं भैया पहले से, वो आपके बेटे का ख्याल रखेंगे। तूने मुझसे सब कुछ छुपाया है। हम राजनेताओं के भरोसे हैं, क्या करता है भैया, मुझे माफ कर दीजिए। जाओ जाओ। राजकिशोर कहाँ है? राजकिशोर जी मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं। गाड़ी को जिले की तरफ लेके जा, जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसको वहीं काट देना। पिताजी परेशान मत होइए, अगर आप परेशान होंगे तो वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। आप घर जाइए, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। साहब टाइम हो गया है, कोर्ट लेकर जाना है। मेरे
मेरा बेटा, उसे जेल में डाल दिया। ये दिन दिखाने के लिए उसे शहर भेजा था। हे भगवान, मेरी को जेल में मेरा जिस दिन से उसने मेरे बेटे को मारने की योजना बनाई, उसने इस गांव के साथ ही नहीं मेरे साथ भी धोखा किया है। उसे मैं मारूंगा ही। जिस दिन वो इस गांव में कदम रखेगा, वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भैया, बिरजू पांडे के बेटे को मारने के लिए हमने लोग भेजे थे, उसे पता चल गया है। अब अगर गांव वापस गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस मंत्री की समस्या भी बड़ी होती जा रही है। सबसे पहले इस होटल को खाली करके एमएलए होस्टल में चले जाओ। ठीक है भैया, तुम भी जाओ। ठीक है। ऐसा होता ही नहीं। श्रवण के बिना गांव जाऊंगा तो लोग मुझे जान से मार देंगे। अरे, मैंने पी रखी है, इसलिए अगर गाड़ी चलाकर जाऊंगा तो पुलिस पकड़ लेगी। धकेल के लेके जाता हूँ। रुक रुक रुक, मुंह सूखा। ए, ठीक से बजा, ठीक से। ऐसा ठीक से बजाऊं? मजा आया कि नहीं टकले? मजाक करता है? तूने शराब पी रखी और मुझे बेवकूफ बनाता है? पी रखी है, हर गली में शराब की दुकान खोल रखी है। वो हमें बुला बुला कर शराब पीने के लिए कहते हैं, बाद में सब पैसे छीन लेते हैं। साइकिल यहाँ छोड़ के तो नहीं जा सकते ना? वापस तो ले जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेरी बात मानो, एक काम करो, 7 बजे के बाद शराबियों के लिए एक बस निकालो, ताकि हम सब पी के आराम से उस बस में बैठ के घर चले जाएं। अबे बकवास मत कर। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, शराब पी के गाड़ी चलाना कानून अपराध है, लेकिन ढकेल के तो ले जा सकते हैं ना? अबे गाड़ी ढकेल कर ले जाना गलत नहीं है, दूसरे की गाड़ी ले जाना गलत है, समझा क्या? तेरी तो तू हमारे साथ की गाड़ी लेके जा रहा था। सामने की तरफ सर करके बैठो बेटा। बेटा, आ बेटा, बैठ। माँ, सब लोग इतने दुखी क्यों? मेरा आना पसंद नहीं आया क्या? तुम्हारे आने की खुशी में माँ बोल नहीं पा रही है। भैया, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो माँ? तू ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? क्योंकि माँ सर पे इतना सारा पानी डाला, लेकिन पोछने के लिए एक कपड़ा भी नहीं दिया। अरे चल माँ। सुन श्रुति, अंदर जाना, गिफ्ट देना और वापस आ जाना, ठीक है? तुम नहीं आ रहे हो क्या? मेरी सहेली की शादी है, मैं क्या करूँगा? अगर पिताजी को पता चला मैं अकेली गई थी तो बहुत नाराज होंगे। चलो ना भैया। तू कब जा रही है? सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, इसलिए आज माँ के साथ रहकर कल चली जाऊंगी। आओ बेटा, बैठो 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 बेटा, बैठो। भैया, वो पीले कपड़े वाली लड़की कैसी है? बहुत बुरी है, क्या बात है? और वो ब्लू दुपट्टे वाली, तू पागल हो गई क्या? भैया, हमारे जात के यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं। अगर तुम इनमें से किसी एक को पसंद कर लेते हो तो मैं माँ को बता दूंगी, वो पिताजी को बताएंगी और फिर तुम्हारी शादी हो मेरी जाएगी। जान के पीछे पड़ी है। 25 साल में शादी, आत्महत्या, 28 साल में हत्या की कोशिश, 32 साल में खून, मतलब तुम मेरा खून करवाना चाहती है? तो 24 साल की उम्र में शादी करना, कुएं में कूदना है, 23 साल में जहर पीना है, 22 में पासे पे चढ़ाना है और लव मैरिज करना स्वर्ग है, 24 घंटे घर में नजर कैद। भैया, टीवी पर उस लड़की को देख रहे हो, कितने सुंदर है ना? भैया देखो ना वहाँ पर, क्यों चौंक गए? पसंद है क्या तुम्हें? भैया बोलो ना, पसंद है ना? मैं अभी पता लगा कर आती हूँ, तुम्हारे सुसाइड की डेट पक्की कर देती हूँ। अप्रैल महीने की 1 तारीख तक इंतजार करो, उसके बाद बताऊंगा। किसी से प्यार करते हो क्या? एक लड़की के जवाब का 6 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं वो हाँ कहेगी या ना। खो गया है दिल मेरा, देखो मैं तो लुट गया, धीरे धीरे मुझको उससे प्यार हुआ, लुट के भी खुश हूँ मैं, तूने ऐसा क्या किया? अब तेरे दिल में जरा जगह दे, मुझे जगह दे, ओ जगह दे, ओ जगह दे, जगह दे।
हाँ कह दे, तू जल्दी से हाँ कह दे, रुका नहीं जाता है तू जल्दी से हाँ कह दे, हाँ जल्दी से हाँ कह दे, तू जल्दी से हाँ कह दे, रुका नहीं जाता है तू जल्दी से हाँ कह दे, खो गया है दिल मेरा देखो मैं लुट गया, धीरे धीरे मुझको भी उससे प्यार हुआ, लुट के भी खुश हूँ मैं, तूने ऐसा क्या किया, अब तेरे दिल में जरा जगह दे, जल्दी से हाँ कह दे, तू जल्दी से हाँ कह दे, रुका नहीं जाता है तू जल्दी से हाँ कह दे, खो गया है दिल मेरा देखो मैं तो लुट गया, धीरे धीरे मुझको उससे प्यार हुआ, लुट के भी खुश हूँ मैं, देखकर चौंक गए।
तुम्हारे सामने हाथ बांधकर खड़ा होने वाला कैसे मंत्री बन गया ये सोच रहे हैं? मंत्री राम प्रसाद को हटाने के बाद उसी जात के किसी और को मंत्री बनाने का फैसला मुख्यमंत्री ने किया, इसलिए मुझे मंत्री बना दिया। राज्य में मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला, इसलिए मुझे मंत्री बना दिया। राजभवन में शपथ लेने के बाद वहां से मैं मुख्यमंत्री से भी मिलने नहीं गया, सीधा फ्लाइट पकड़कर शहर में उतरा और वहां से हेलीकॉप्टर में यहां तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया हूं। जानता है क्यों? क्योंकि उस दिन तूने ये भी नहीं सोचा कि मैं एक एमएलए हूं और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस अपमान को धोने के लिए मैं यहां आया हूं। ए, मिठाई में श्रेष्ठ काजू कतरी और पदों में श्रेष्ठ मंत्री, इस पद की बदौलत मैं क्या क्या कर सकता हूँ देखना चाहेगा? उस दिन 120 एकड़ जमीन खरीदी थी तो बहुत बड़ा बवाल मचाया था ना? अगले 6 महीनों में पूरे राज्य में 1200 एकड़ जमीन खरीदने वाला हूँ, देखता हूँ क्या कर लेगा तू। क्या कहा था उस दिन? कि अगर मैंने खुद अपनी सीट नहीं खाली की तो उस सीट को खाली करवाने के लिए तू मेरा मर्डर करवा देगा। आज मैं इस राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों का मंत्री हूँ, क्या कर लेगा रे तू मेरा? बोल क्या कर लेगा मेरा? आज यहाँ इसी जगह सबके सामने मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा और उसके बाद मैं तेरा सर काट डालूंगा। मंत्री राजकिशोर जिंदाबाद, मंत्री राजकिशोर जिंदाबाद, मंत्री राजकिशोर जिंदाबाद। भैया आपको मिलने के लिए बिरजू पांडे का बेटा आया है। उसके साथ कितने लोग हैं? अकेला ही आया है। आने दो। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में मुझसे क्या बात करेगा, जो कहना है यहीं पर कहे। मैं अकेले यहाँ तक आया हूँ, वो भी बिना डरे। आप क्यों डर रहे हैं? चल चल निकल सब यहाँ से, निकलो सब यहाँ से। मैं डर रहा हूँ, बोल क्या बोलना तुझे? मिठाई में श्रेष्ठ है काजू कतरी और पदों में श्रेष्ठ है मंत्री, यही कहा था ना? आप एक बात जानते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने देखा है परचून की लिस्ट में भी अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल सब किलो के हिसाब से ली जाती है, लेकिन काजू केवल 100 या 200 ग्राम के हिसाब से लेते हैं। एक तो लेते इतना कम है और खीर में भी थोड़ा कम डालते हैं। ज्यादा खरीदने से पैसा बर्बाद होता है, ज्यादा खाने से तबीयत खराब होती है, यही हाल मंत्री का भी होता है। अगर मैंने बाजी पलट दी ना, या तो रोड पर खड़े होना पड़ेगा या फिर कोर्ट में। लोगों को हमेशा मैंने अपने पिताजी के पीछे खड़े हुए देखा है, आज पहली बार मैंने किसी को मेरे पिताजी के सामने खड़े होकर उन्हें चुनौती देते हुए देखा है, और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए भी। सुनकर थोड़ा दुख हुआ। तुझे चुनौती देता हूँ, आज से 30 दिनों में अगर तूने मेरे बाप का सिर नहीं काटा तो मैं अपने परिवार के साथ तेरे पैरों में गिर जाऊंगा। अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे पिता तेरे पैरों में गिर जाएंगे। क्या बोला, क्या बोला रे तू? तू मेरे पिता का सिर काटेगा तो मैं अपने परिवार के साथ तेरे सामने झुक जाऊंगा। अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे पिता तेरे पैरों में गिर जाएंगे। इसका मतलब है मैं तेरा सिर कन्फर्म काटूंगा। मैं आज मंत्री हूँ रे, लेकिन तेरा बाप आज भी वही बिरजू पांडे है। चुनौती मंजूर है या नहीं? 30 दिनों में मैं तुम्हारे बाप का सर काट डालूंगा। देखते हैं कौन क्या करेगा। इसका मतलब है जैसे मेरे पिताजी ने कहा था वैसे शिवगंगा में जल्दी ही इलेक्शन फिर से होने वाले हैं। चलता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नाराज मत होना, मेरे साइकिल का हैंडल टेढ़ा था इसलिए ठोक दिया। हैंडल टेढ़ा हो गया है? तू बीच सड़क पर लड़की को छेड़ रहा है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? ए, वो लड़की वहाँ खड़ी है, मैं उसकी साइकिल का हैंडल ऐसे सीधा कर रहा हूँ, इसमें क्या हो गया है? मैंने कोई लड़की का ऐसे हाथ पकड़ लिया है, या फिर मैंने लड़की की कमर में ऐसे चुटकी काट ली है, या फिर बताओ मुझे कि क्या मैं उसे पकड़ कर ऐसे अरे, अरे, ये क्या कर रहा है? या चुम्मा लिया है मैंने, या फिर मैंने किसी की लुंगी खींच के बिछा के लड़की को उस पर झुला के उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की है? सब लोग यहाँ भीड़ करके खड़े हुए हैं तो मैं रिएक्ट कर रही हूँ। कुछ भी नहीं किया है, ऐसा बोल करके तू सब कुछ हमारी आंखों के सामने कर रहा है। उसमें कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? भागो यहाँ से। अरे इनसे कैसे बचूं? अरे अरे बाप रे, ये लोहे की जंजीर नहीं, ये तो पूरा लोहे का किला है। हमें पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए तुझे पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। क्या करोगे?
इन पत्थरों से तो कुंग फू कराते वाला ब्रूस ली भी डरता है, ये गणेश क्या करेगा। गणेश जी को देखकर हंस रहे हैं? देखकर चला करना, जानबूझकर गिरी थी अप्रैल फूल। पागल हो गई क्या? जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मूड ऑफ कर दिया। ऐसा कहते हैं कि अप्रैल फूल वाले दिन सिर्फ एक बार ही बेवकूफ बन सकते हैं, दोबारा नहीं। इसलिए जिस काम के लिए जा रहे हो जरूर पूरा होगा। भैया ऑल द बेस्ट। तो मोती, मैं तेरी भाभी से मिलने जा रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर भाभी मान जाए। हा? चिंता मत कर, अगले साल तेरी भी शादी करवा दूंगा। क्यों भैया, इसे कौन लड़की देगा? चल जा, इसे क्या कोई लड़की नहीं देगा। हमारे इस डॉगी ने तो पूरे गांव में कई लड़कियों को पटा के रखा है। ये क्या कह रहे हो गणेश? और क्या, गेट खुला रहने पर किसी भी लड़की को फुसला कर नदी के पास ले जाता है। किसी दिन रंगे हाथों पकड़ा गया ना, तो HMV के रिकॉर्ड में जैसे फोटो चिपकी ना, वैसे तेरी फोटो किसी दीवार में चिपकी रहेगी और उसमें माला टंगी रहेगी। इसे मेरी सारी बात समझ में आ रही है क्या? क्यों श्रवण, ये गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? आज राधिका से मिलना है इसलिए आया। राधिका कैसे मिलेगी, आजकल कॉलेज की छुट्टी चल रही है ना। बोलो श्रवण। जयंती तुम कहाँ हो? मैं अपने गांव में हूँ। और राधिका? बोल जयंती। सिकड़ी से श्रवण ने फोन किया था, वो तुमसे मिलने आ रहा है। अपने आप को अकलमंद समझती है? ऐसे चले जाने से मुसीबत टल जाएगी क्या? तू अपनी बकवास बंद कर। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, सुन जयंती और राधिका सिकरी आ रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस में बैठे हैं। हाँ। मुझे उस बस के कंडक्टर का नंबर दे। अच्छा ठीक है भैया। हेलो कौन? मैं श्रवण बोल रहा हूँ, सिकरी से तुम्हारी बस में दो लड़कियाँ बैठी हैं। हाँ बैठी तो हैं। मैं रामगढ़ के पुल के पास इंतजार कर रहा हूँ, उन दोनों को नीचे उतार देना। ठीक है भाई। सुनिए श्रवण भैया, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप नीचे उतर जाइए प्लीज। आप नहीं उतरेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहां जबरदस्ती बुलाने के लिए माफ कर देना। जब तुम वापस सिकरी चली गई तो मैं समझ गया था कि तुम वाकई कश्मकश में हो। तुम्हारे मन में जो भी हो बता दो। अगर तुम कहोगी कि जाओ अगले 6 महीने बाद आओ तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं। जिस दिन तुमने मेरे लिए मार खाई थी उसी दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैं तुमसे प्यार करने लगी। मैं खुद नहीं समझ पाई कि यह सब कैसे हो गया, लेकिन तुमने उस दिन कॉलेज में जब लोगों को मारा उस दिन मेरे मन को बहुत चोट पहुंची। तुम्हारे पिता को इतने सारे लोगों के साथ तलवार लेकर आता देखकर मुझे और गुस्सा आया, मुझे नफरत सी होने लगी। जिस दिन मैंने पढ़ा कि तुमने 4 लोगों को मारा है और तुम जेल में हो, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तुम्हारे प्यार को अपने दिल से ना तो मिटा पा रही हूँ और ना ही जाहिर कर पा रही हूँ, बस मन ही मन में घुट रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा, हंसू या रोऊं? मेरे पिताजी ने मुझे सिकरी इसलिए भेजा था कि मैं किसी लफड़े में ना पड़ूं। जब मैंने टीचर का अपमान होते हुए देखा तो मैं रह नहीं पाया। दुनिया में सबसे दुख की बात है एक पति का उसकी पत्नी के सामने अपमानित होना, मैंने इसलिए उसको मारा। अगर उस दिन मैं उन गुंडों को नहीं मारता तो वो लोग मुझे मार देते। छोटी सी बिल्ली भी अपनी जान बचाने के लिए किसी से भी लड़ती है, क्या मुझे अपनी जान बचाने का हक नहीं है? ये सारी बातें मेरी माँ के सामने मत करना। क्यों, मैं अच्छा नहीं हूँ? तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम जिनके साथ हो वो अच्छे नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपना लूंगी। सब कुछ मतलब किसको? माता पिता को या अपनी बहन को छोड़ दो, रिश्तेदारों को या अपने जन्म स्थान को, या फिर अपने भगवान को जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ? किसे छोड़ने के लिए कह रही हो? अपने पिता को। ए! मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत कहना। तुम जानती हो वो कौन है? छोटी दुकानों पर मारपीट करके गांव के मेले में लड़ाई होने के बाद, नदी के पास मर्डर होने के बाद पुलिस ने 6 महीने तक छानबीन की और फिर उसे 5 साल की सजा होती है, उसके बाद उसका परिवार भूखा मरता है। तुम उनके बारे में क्या जानो? गांव में जब भी कोई छोटी मोटी लड़ाई होती है तो पिताजी उन्हें बुलाकर दोनों पक्षों को समझा कर दोनों को आपस में समझौता कराकर किसी के साथ भी अन्याय ना हो ऐसा न्याय करने वाले हैं मेरे पिताजी।
तलवार उठाने वाला हर आदमी बुरा नहीं होता, ऐसी बात है तो वो सारे जाबाज सिपाही जिन्होंने आजादी के लिए तलवार उठाई गलत थे? दूसरों को मारना गलत होता है, खुद की सुरक्षा करना गलत नहीं होता? सुना है प्यार के लिए कुछ भी छोड़ देते हैं, लेकिन माता पिता को छोड़ने के लिए कहने वाली पहली लड़की तू ही होगी। एक साथ रहने को परिवार कहते हैं, जुदा होकर जीने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे तुम्हें तुम्हारी माँ प्यारी है, वैसे ही मुझे मेरे पिताजी जान से ज्यादा प्यारे हैं। तुझे प्यार करता हूँ इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर यही बात किसी और ने की होती तो उसे काट के नदी में बहा देता। मुझे ना कहने के लिए तुमने दूसरा कोई कारण बताया होता तो मरते दम तक तुम्हें याद रखता, पर मुझसे दूर जाने के लिए मेरे पिता को कारण बताया उसी पल में तुम्हें भूल गया। राजकिशोर दोस्त आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। यहाँ शिवगंगा में अचानक मेरा ट्रांसफर हो गया, कोई खास वजह? एक छोटी सी समस्या है। मुझे करना क्या होगा? उस बिरजू पांडे को अरेस्ट करके एक दिन के लिए जेल में डाल दो। अपने आदमियों की मदद से मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। जेल जाने से पहले 2 मिनट के लिए उसे मेरे घर पर लेकर आना, उसके गाल पर 2 थप्पड़ लगाऊंगा। वो किस लिए? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही उसने मुझे मारा था, इसीलिए। वो इस इलाके का नामी आदमी है, उसे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, सिकरी लक्ष्मी मंदिर के पास जाली नोट चलाते हुए हमने एक आदमी को अरेस्ट किया है। अरे क्या कर रहे हो साहब? उसने शिवगंगा के एक आदमी का नाम बताया, उसके पास 10,000 रुपए के जाली नोट है। वो केस मेरे पास आया है, मैंने उसको पूछताछ के दौरान मारा और उसने मुझे बिरजू पांडे का नाम बताया। शिवगंगा का ये बिरजू पांडे ही जाली नोटों का सरगना है, ऐसा हम कहेंगे, और उसके घर से 4 लाख के जाली नोट बरामद करेंगे। आइडिया है कि हेलीकॉप्टर है रे, अकल के अंधे, उसके घर में जाली नोट कहां से आएगा बता? यहां तुम किस लिए हो? तुम एक मंत्री हो, इतने सारे आदमी हैं, तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते क्या? मजा आ गया तेरी बात सुन के, कहां था रे तू? कौन किसका पत्ता काटा? पता नहीं श्रवण। ठीक है अभी आता हूँ। बोलिए सर। आपके घर शिवगंगा से डीएसपी के नेतृत्व में सर्च वारंट के साथ एक टीम आ रही है। इसकी वजह क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये राजकिशोर का ही काम होगा, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। ये अपने आप नहीं टूटा, तोड़ा गया है। हाँ शर्वन, शर्वन वहाँ देखो, चलो ऊपर चल के देखते हैं। कल रात को हमारे घर जरूर कोई आया था, कुछ लेकर तो नहीं गया है, मतलब कुछ रख कर गया है। सब जगह ढूंढने में आधा एक घंटा लगेगा, इतने में पुलिस आ जाएगी। आप एक काम कीजिए, घर बंद करके राइस मिल चले जाइए, आधे घंटे बाद आइएगा। ठीक है बेटा। ए बुढ़िया, ये घर क्यों बंद है? बहू मंदिर गई है और बेटा मिल में गया है, आते ही बोल दूंगी। जरा तकिए में देख। हाँ? नीचे उतर। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। नीचे उतरना। देखता हूँ। क्या बात है, इतने लोग क्यों आए? अरे तकिए में देख, अंदर क्या है? हाँ हाँ। अरे इसमें कुछ है। मेरे घर में नकली नोट, ये किसने कहा आपसे? आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सर्च वारंट है। ये तो नकली नोट है। आइए सर, देखिए। देखो तुम लोग जाओ उधर, देखो उधर, देखो यहाँ भी देख लीजिए। देखिए तकियों को आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको किसी ने बताया हो कुछ। ए, 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 कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अरे इतने लोग अंदर कैसे आ गए? क्या हुआ? पूरा घर छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर उसे अरेस्ट करो ना। बिना कारण के अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे तो कोई भी वजह बताकर उसे अरेस्ट करो, उसे थप्पड़ मारने के लिए मेरे हाथ तड़प रहे हैं। हाँ तो मिस्टर बिरजू पांडे, मेरे साथ पुलिस स्टेशन तक चलेंगे। किस लिए? आपके घर सर्च करने आया था, कुछ भी नहीं मिला, ये लिख कर देने के लिए। गुड मॉर्निंग डीएसपी सर, कोई नया कानून आया क्या, सबको बेवजह पुलिस स्टेशन आना होगा? क्यों आना होगा, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ। आपको माफीनामा लिख कर देना चाहिए कि आपको खोज के दौरान कुछ भी नहीं मिला, और यही कानून है। इन्हें अरेस्ट किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इम्पॉसिबल है सर, इन्हें अरेस्ट करके आप यहाँ से बाहर नहीं जाते। अरेस्ट करना है, अरेस्ट करना है, कितनों को अरेस्ट करेंगे सर?
किसने बोलकर भेजा है क्या? सब लोग वीडियो बना रहे हैं। ए, बंद करो, बंद करो। इतना ही नहीं है, जरा वहाँ पीछे देखिए। इसमें क्या है पता है, जब से आप आए, बात की, अंदर गए, बाहर आए, आकर कहा कुछ भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती मेरे पिताजी को अरेस्ट करना चाहते हैं, ये सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई। मैं आपका ये वीडियो सीएम साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा और बदले में आपको मैसेज आएगा आपकी नौकरी चली गई। गले में कुछ अटक गया? आपका फोन बज रहा है। काम हो गया क्या? सारे गाँव वाले यहाँ जुट गए हैं और सब लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मोबाइल संभल के जाइएगा डीएसपी साहब। हमारे गांव वालों का प्यार करने का तरीका पसंद आया कि नहीं? अरे वो हमसे डर कर झूठ बोल रहा है, खड़ा उसे। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैं इसको जानता हूँ, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। अक्कल के दुश्मन, तू एक चोर की तारीफ कर रहा है, अपनी वर्दी उतार के फेंक। बिरजू पांडे का बेटा हार के साथ आ रहा है। मंत्री जी को माला पहनानी है। वो इस समय बहुत बिजी हैं। वो हर किसी से नहीं मिल सकते। चुप रहो, वहाँ तो खड़े। नमस्कार मंत्री जी। एक मामूली एमएलए थे, मंत्री बन गए हैं, इसलिए हमारे गांव वाले आपको हार पहनाकर सम्मानित करना चाहते हैं। जीतने से पहले आप इनके घर आकर वोट मांग रहे थे ना, वही लोग आपके घर के बाहर खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता ना? ऊपर आने दो। पिस्तौल भरी हुई है ना? हाँ हाँ भरी। वो जो कुछ भी करेंगे मैं उसका वीडियो बना लूंगा। नमस्ते मंत्री जी। तालियां तालियां। मंत्री जी क्या हुआ, आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा टेंशन दिख रहा है, लग रहा है जैसे कोई मनचाह काम पूरा नहीं हुआ। मंत्री जी को पूरे राज्य के लोगों की टेंशन रहती है ना। ए, ये बेकार में ताली क्यों मार रहा है? ए, बंद करो। लोगों ने ताली बजा दी, अब मैं चलता हूँ मंत्री जी। डीएसपी साहब, आपके फोन का कैमरा ऑन है, बैटरी लो हो जाएगी, बंद कर दीजिए। नमस्ते सर। पकड़ के दुश्मन हो तुम, एक वीडियो बनाने के लिए बोला वो भी नहीं बना सकते हो तुम। उन्होंने पता लगा लिया कि तुम वीडियो बना रहे हो। अरे ऐसा नहीं, नौकरी में भर्ती होने पर ऐसे ही होता। तू मालिक, आपके लिए फोन। क्या सोच रहा है, तेरे फोन पे ना करके दूसरे के फोन पे क्यों कर रहा हूँ? अगर तेरे फोन पे बात करूंगा तो तू रिकॉर्ड कर लेगा और मुझे फंसा देगा। मेरे पिताजी भी आज तक घर के अंदर चप्पल पहनकर नहीं आए और तूने पुलिस वालों को जूते के साथ पूजा के कमरे तक भेज दिया। अब क्या करेगा तू? मेरे घर में जो तूने 4 लाख भेजे थे ना, कड़क कड़क नोट, हिफाजत से तेरे घर में पहुंचा दिए हैं। तुम पूछ रहे थे ना लोग बेकार में ताले क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि वो मुझे सिग्नल दे रहे थे कि पैसे रखवा दिए गए। तूने मेरे घर पे राज्य की पुलिस भेजी, लेकिन मैं तेरे घर पे सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो भेजूंगा, उनके सवालों से तेरी पैंट गीली हो जाएगी। बहुत बोल रहा है तू। वो लोग ऑफिस से तेरे घर पे आने के लिए निकल गए हैं, ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। मालिक फोन। क्यों मंत्री, अब तक तो तेरा घर कबाड़े की तरह बन गया होगा, लेकिन छोटी सी गलती हो गई, जाली नोट तेरे घर में नहीं, घर के बाहर सफेद कार में रखे। बताता हूँ रे, तुम्हारे जैसे कुछ लोग पत्नियों से छुपा कर जहाँ रखते हैं ना, वहीं पे रखे। हेलो, ए, पत्नियों से चीजें कहाँ छुपा के रखते डब्बे में? चुप भैया, खेल के बता। भैया खेत में। भाई स्टेपनी में देखना चाहिए। स्टेपनी में देखो, जल्दी देखो। नमस्ते साहब, हम लोग नगर पालिका से आए हैं। हमें फोन आया था कि मंत्री जी के घर में बहुत सारे मच्छर आ गए, इसलिए दवा मारने आए, बताइए कहाँ मारने? ऐसी बात है, अभी 1000 मच्छर मेरी गाड़ी को उल्टा करके उधर भागे हैं, वहाँ जाकर मारो उनको। क्यों मजाक कर रहे हैं? जाओ, मार दूंगा, भागो। क्यों मंत्री, मैंने सीबीआई को या एंटी करप्शन ब्यूरो को फोन नहीं किया था, म्युनिसिपैलिटी वालों को किया था। मुझे लगता है उनकी दवा से बेकसूर मच्छरों को नहीं मारना चाहिए, तेरे जैसे पापी को पिलाकर मार डालना चाहिए। एक और फोन गया। छोटा लड़का है, लेकिन एक घंटे में मुझे पागल बना दिया उसने। एक सुंदर लड़की जब खुद बात करने आई है तो कोई जरूरी काम नहीं हो सकता, तू जाके आराम से बात करना। मुझे क्यों बुला, क्या बात है? क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो?
इसी वक्त मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ, मैं उस दिन पागल हो गई थी। पता नहीं गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम मुझे भूल जाओगे, तब से तुम्हारी याद मुझे और सताने लगी। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे गुंडे मवालियों से, लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम इनकार मत करना। Unagi sangolo, amaya wingelo, bibia ungo ya yangela wangelo. Unagi sangolo, amaya wingelo, bibia ungo ya yangela wang wang.
इस साल हमारे गांव के मेले में सिनेमा एक्टरों को बुलाने की सोच रहे हैं। आप लोग बताइए हमें किसे बुलाना चाहिए। शाहरुख खान को। चलो चलो। ए शांत शांत शांत। तुम लोग अगर कहो तो मैं शाहरुख खान को जानता हूँ, मैं उसे बुला सकता हूँ। 20,000 रुपए लगेंगे। 20,000 किस लिए? अरे मुंबई से यहाँ तक की फ्लाइट के लिए। आपको कौन सा वाला शाहरुख खान चाहिए ये बता दीजिए बस। ये लो 10,000 रुपए एडवांस। अरे ऐसा शाहरुख खान लाऊंगा कि आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप लोग सिर्फ ये बताइए कि शाहरुख की तरह दिखने वाला चाहिए ना। अरे हमें वही चाहिए, वही वही चाहिए शाहरुख खान। नमस्ते नमस्ते, ये अंदर ही है। आइए 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 आइए। ए, इसके मोहल्ले में सब इसको शाहरुख बोलते हैं। नमस्ते। क्या हमें बेवकूफ बना रहा है? तुम ही लोगों ने कहा था ना शाहरुख चाहिए, तो शाहरुख खान चाहिए तो मैंने शाहरुख खान को यहाँ ले आया। अब तुम लोग अपनी जबान से फिरोगे तो कैसे चलेगा बोलो ना। ऐसे में हथियार निकालने वाली कौन है? बताते हैं कि असली शाहरुख कौन है। तू मारो के हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ। हाँ? अरे बाप रे, पिताजी की गाड़ी। हमारे पीछे ही गाड़ी आ रही है। मुंह मत दिखाना। लगता है उन्होंने हमें देख लिया। सुन, उनके आते ही पांव छू के प्रणाम करना, ठीक है? ये लड़की तो वही है जो उस दिन शादी में दिखी थी, लेकिन ये भैया के साथ क्या कर रही है? ए सरवन, बहन को देख के घबरा गए क्या? क्यों भैया, यही है तुम्हारा अप्रैल फुल? बाइक पर घूम रहे हो, इसका मतलब पहले से जानते हो इसे? नहीं, आज पहली बार। वो प्यार होने से पहले मुझे सब बताते थे, अब कुछ नहीं बताते हो, सब पूछना पड़ता है। ठीक है, मैं माँ पिताजी से कुछ नहीं बताऊंगी। तुम कितनी अच्छी हो, तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे होंगे। मैं उनसे कल ही आकर मिलती हूँ। हाँ? देखना मैं कैसे आती हूँ। क्या बात है? मुझे आपके मालिक से मिलना है। यहीं रुको, मैं पूछ के आता हूँ। रुको, अरे अरे कहाँ चली आ रही हो? रुको, अरे तुमको रुकने के लिए कहा था ना, यही रुको। हाँ? अरे बाप रे, पता नहीं अब क्या होने वाला है। आपसे मिलना चाहती थी, मैंने इसे रुकने के लिए कहा, लेकिन ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे पहले बात क्या है ये तो बताओ तुम्हें। मैं एक नई कंपनी से आई हूँ, सुना है कि आप सबकी परेशानी सुलझाते हैं, क्या आप एक लड़की की समस्या दूर नहीं करेंगे? बेटी अपनी समस्या तो बताओ। साबुन निकाल रही है, अरे साबुन से किसको धोएगी ये? मुझे मेरी कंपनी ने सुपर साबुन का एजेंट बनाया है, अगर आप ये साबुन खरीदेंगे तो सभी लोग खरीदेंगे, आपके कहने पर वोट डालते हैं तो साबुन तो खरीद ही सकते हैं ना। मुंगेरी जी मालिक, साबुन खरीद लो और बाकी लोगों को भी बोलो। जी मालिक। बेटा 10 साबुन खरीद ले। ठीक है माँ। गंगा, आपने बुलाया? यहाँ क्या हो रहा है? वो बिल्ली बैठी है। रोज रोज बिल्ली की कहानी बंद करो। जानती हो लड़की कौन थी? पता नहीं। मुंगेरी, जाके उस लड़की को लेके आओ। जी मालिक। श्रुति, उस लड़की को देखते तुम और तुम्हारा भाई इशारा करने लगे थे, कौन है लड़की? अंदर आओ बैठो। तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? पिता मानिक राव और माँ पद्मावती। तुम्हारे पिता नहीं है ना? आप जानते हैं, तुम यहाँ आई हो, तुम्हारी माँ जानती है? जानती है। अगर कोई तुम्हारे प्यार को न माने तो क्या करोगी? जान से मार दूंगी। मेरा मतलब है आत्महत्या कर लूंगी। गंगा, आके अपनी बहू को ले जाओ। जो लड़की मेरे बेटे के लिए जान देने को तैयार है वही हमारे घर की बहू बन सकती है। बहुत अच्छा प्लान किया है घर में आने का। जा बेटी, तेरे से इस घर की चिराग रोशन होगी। जुग जुग जी, ये हमारी खानदानी चूड़ियां हैं, आज के बाद तू इसे पहनना, ठीक है? भैया, चावल के व्यापारी एक सभा करने जा रहे हैं, उसमें बिरजू पांडे मुख्य अतिथि हैं। अच्छा सुनो भाई, तुम जरा बाहर जाओ। ए, चल बाहर जा। नया ड्राइवर अंदर कैसे आ गया? भैया वो खुद ही आ गया भैया। उसे हम लोग यहाँ नहीं मार सकते, लेकिन दूसरे शहर में मार सकते हैं। वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब पता करो।
एक किलो चावल का दाम 30 रुपए हो गया, लेकिन बोरों के दाम नहीं बढ़े हैं। किसान मेहनत करता है और अपने लिए दाम भी निर्धारित नहीं कर पा रहा है। हमने इसी के लिए इस सभा का आयोजन किया है। अब आप ही फैसला कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। मंत्री की चाल चलो। भैया, हाँ। इस खेल का नाम क्या है? चेस। सेक्स? क्या रे? बहन बैठी है ना। साले गोरे लोग भी अपने खेल का नाम बहुत सोच समझ के लीजिए माजी। अरे 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 जो इस मुर्गी को पकड़ेगा उसको बड़ा सा इनाम दूंगी मैं। हे मेरी मुर्गी, तू उस मुर्गी को पकड़ेगी? ये यहाँ क्या कर रहा है? पकड़ो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जो मुर्गी मुझे पसंद है वही पकड़ रहा हूँ। भैया, मालिक ऊपर ही है, मुर्गी जरा ध्यान से पकड़ना। हाँ ठीक है ठीक है, पकड़ो पकड़ो। ये लो पकड़ो और बोलना तुम्हीं ने पकड़ा है। जाओ। देख लिया बेटा, मेरी बहू मुर्गी पकड़ कर लाई है। आज तो मैं तुझे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगी। जा रे बेटा, इसको काट के ले आ। भाभी क्या हुआ? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उनसे कहो कि मुर्गी को ना काटे, पाप लगेगा। इसके लिए रो रही हो? अगर ऐसा किया तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। मुंगेरी, उस मुर्गी को छोड़ दो। श्रुति, आज कढ़ी बनाने के लिए बोलना। एक दिन में कुछ नहीं होगा, आज कढ़ी खा लूंगा। ठीक है पिताजी। क्यों रे, मैं तेरा अंदर इंतजार कर रहा हूँ, तू यहाँ किसका इंतजार कर रही है? अब 2 साल के बाद बॉम्बे आए हैं ना, तो मेरे सारे रिश्तेदार, माँ भाई बहन मिलने आ रहे हैं आपको। दीदी, ये पकड़ो अपनी साइकिल। हमारी आपके पति ने साइकिल की चेन ठीक करने के बाद घर छोड़ने को कहा था। मैंने कब कहा था? अरे आप नहीं, ये दीदी के पति ने कहा था। तुम कौन हो, उनके दोस्त हो क्या? ए तो क्या भक रहा है? पहले बोलो 6 नंबर का घर यही है ना, तो आपकी साइकिल बनवाने दियो, आपके पति है ना, तो पकड़ो अपनी साइकिल और तय कर लो कौन पति और कौन दोस्त है। क्या रे, मेरे पीछे से ये धंधा कर रही है तेरी? अरे गली का नाम पूछना तो भूल ही गया। अच्छा भैया, ये पोस्ट ऑफिस वाली गली यही है ना? नहीं, ये मंदिर वाली गली है। अरे बाप रे, मैं तो दूसरी गली में छोड़ के आ गया। ये क्या हो रहा है? ओए हमारे गांव के लोगों को मार रहे हैं, सब लोग आ जाओ जल्दी। मारो मारो मारो। अरे बबलू, अरे पिंकू, अरे जल्दी तुम लोग आ जाओ, ये लोग हमें मार डालेंगे। अरे मार डालेंगे हमें, अरे मार डालेंगे। अरे बाप रे, बताऊं क्या होगा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब लोग आ जल्दी, देखो यहाँ क्या हो रहा है। ये तो पूरा शमशान घाट बन गया। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। दीदी, हमारी फ्रेंडशिप में तो कोई जरार नहीं है ना? ये एक साइकिल के वजह से पूरा गांव खत्म हो गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे क्यों मार रही हो? अभी तक मारा नहीं है, ये तो नमूना था। अब देख मेरी मार। उसकी कार को अच्छी तरह फॉलो करो। गांव के पास में एक लॉरी तैयार खड़ी रही। उस लॉरी को उस कार में टक्कर मारने के लिए कहो। ठीक है भाई। इस काम को पूरा कौन कर रहा है? माया ग्रुप के लोग भाई। काम ठीक से किया तो एक जिला उन्हें दे दूंगा, वो कमा लेंगे। ठीक है भाई। बोलो बेटा। कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जरूर कोई बात है। हा? शायद इन लोगों को मालिक के बाहर जाने के बारे में पता चल गया है। उनका जाना जरूरी है, कैंसिल नहीं हो सकता। पत्रिका में उसका नाम सबसे आगे है, जाना ही पड़ेगा। क्या बात है, मुझे तो बताओ। शायद मंत्री के कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप कार से नहीं ट्रेन से जाएं। ट्रेन से जाऊं? ठीक है। हेलो, ये मंत्री जी का नंबर है। हाँ बोलो। आपको बता दूं कि बिरजू पांडे कार से नहीं ट्रेन से जा रहे हैं। हे, तुम कौन बोल रही हो? हे! पिताजी, मीटिंग खत्म होते ही रात को वहाँ से मत निकलना, सुबह निकलना, होटल में मत रहना। राइस मिल के मालिक से बात कर ली है, वहीं पे ठहरना। ठीक है। बिरजू पांडे ट्रेन से ही जा रहा है। अपने लोगों को उससे पहले चढ़ने के लिए कहना, उसके चढ़ते ही लोगों के साथ मिलकर चाकू में जहर लगाकर उसे मारने के लिए कहना। क्या हुआ सरवन? मेरा मन नहीं मान रहा, चलो हम भी ट्रेन से चलते हैं। उसके ऊपर कम से कम 20 से 25 वार होने चाहिए। ये इस राज्य का अब तक का सबसे क्रूर कत्ल होगा।
हेलो, मैं भी पिताजी के साथ जा रहा हूँ तो कल वापस आऊंगा, ये बताने के लिए फोन किया था। बोलो बीजू पांडे ट्रेन से नहीं कार से जा रहे हैं, मैंने झूठ कहा था। ए, तुम कौन हो, कहां से बोल रही हो? हेलो हेलो भैया, सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ, पूरी गाड़ी भैया वो लोग इधर ही आ रहे हैं। अच्छा जल्दी जल्दी देखो कौन से डिब्बे में चढ़े। चल। इन्हें कैसे पता चला पिताजी ट्रेन से जा रहे हैं? तुम आखिरी कोच से पहले कोच तक जा, बीच में कोई भी मिल जाए तो मुझे फोन करना। जाकर देखो बिरजू पांडे कौन से कोच में है, समझे? जाओ भाई। तुम पीछा करते रहना। मेरे बाप को मारेगा बुज़दिल। रामपुर आते ही वो पिताजी पर हमला करेंगे, तुम लोग उधर जाना, पिताजी के साथ रहना, उनके साथ ही कोच में रहना। मैंने पिताजी के लिए फोन करके कार मंगवाई, उसी कार में भेज देंगे। फोन करने को कहा ना, फोन कर। बोलो बेटा क्या हुआ, क्या करना होगा? दो गाड़ी भर के जल्दी लोगों को भेजो। स्टेशन आते ही हमारे लोगों के साथ मिलकर उन कमीनों की ऐसी पिटाई करेंगे कि शरीर में बस जान रह जाएगी, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने जो कहा है वही करना, ठीक है? नमस्ते वाले, कौन सी गाड़ी में जा रहा है? मैरून कलर की कॉलिस में। अपने प्लान के मुताबिक उस गाड़ी को उड़ा दो। अच्छा भाई, भाई ये फोन ही नहीं उठा रहा है। अच्छा चलो। ए, वो तो कब का गाड़ी से उतर गया। तुम लोग सब उसका जल्दी से पीछा करो। वही है भाई। गाड़ी 5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं तैयार हूँ। गाड़ी आ गई है, उड़ा दो। ठीक है। बिस्किट है। काम हो गया। ओके ओके। कोई जाकर उस लॉरी को पकड़ो। अरे सारे लोग मारे गए। तुम एम्बुलेंस को फोन करो, तुम पुलिस को लगाओ। तू सोचता है तू ही दूसरों से फोन पर बात कर सकता है? हमने तेरे बाप को गांव के पास लॉरी से मरवा दिया, बिखरा पड़ा होगा, जाकर बटोर ले। उसे दफनाने के बाद अपनी माँ और बहन के साथ आकर मेरे चरण स्पर्श करना। आ जा। अरे खड़े मुंह क्या देखा, जल्दी फोन कर। भैया हम लोग हाईवे पे हैं, पुलिस जल्दी चल जाइए। भैया हमें कहीं पिताजी, पुलिस को फोन किया, जल्दी चलाओ। चलो बात को समझने की कोशिश करो, जल्दी पुलिस भेजो, जल्दी। साइड हो, साइड हो, ये जगह लो, जल्दी चल, रास्ता छोड़ दो। देखिए हमें देखने दीजिए, हटिए, पुलिस को देखने दो, प्लीज रास्ता छोड़िए, प्लीज पीछे जाइए, पीछे। पिताजी। बेटा ये लोग बेचारे अपने गांव जा रहे थे,
लॉरी वाला उड़ा करके चला गया, लगता है उसने पी रखी थी, एक्सीडेंट करके भाग गया। वो उनको मारने नहीं, आपको मारने आए थे। तूने मेरी नाक कटवा कर रख दी, उसे मार बहन के साथ आकर मेरे पैर पड़ने के लिए चुनौती दी थी, अब वो मुझसे मेरी पत्नी को लाने के लिए कहेगा। भाई आपने मैरून कलर की कॉलेज कही थी, वो तो मैरून कलर की थी। दुश्मन काली लड़की को देखकर उसे अपनी पत्नी समझेगा? पता करो कि फोन करने वाली लड़की उसकी दुश्मन है या उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए फोन किया। उसे खत्म करना ही होगा। ठीक कह रहे हो बेटा। अगर वो शिवगंगा से कार लेकर आएगा तो कार लेकर ही वापस जाएगा, अगर वो रामपुर के रास्ते से जाएगा तो बीच रास्ते में ही उसका काम तमाम कर डालेंगे। पुल के पास टेक डाइवर्जन का बोर्ड लगाकर गाड़ी का रास्ता बदल देंगे और पुल के साथ गाड़ी को उड़ा देंगे। अगर पुल के ब्लास्ट में भी वो बच गया तो आगे नदी के पास लॉरी से उसकी गाड़ी की टक्कर करवा देंगे। अच्छा आइडिया श्रवण। अगर वो फ्लाइट से गया तो? रास्ते में तालाब के पास एक तरफी सड़क है, वहाँ पास में ही आम का बगीचा है, उसके पास पेड़ को काट डालेंगे। जब वो डर के भागेगा तो वहीं पर उसे खत्म कर देंगे। अगर उस एक्सीडेंट में भी वो मरा नहीं और भागने की कोशिश की, अगर वो ट्रेन से कहीं गया तो मैं अकेला जाऊंगा। तू अकेला? जब वो ट्रेन में चढ़ेगा तो 100 लोग नारे लगाएंगे, रामपुर से 10 लोग खाना लेके चढ़ेंगे, इस तरह सारे डिब्बे में अपने ही लोग होंगे। सिकरी आते ही बाकी लोग सेकंड क्लास में जाकर सो जाएंगे, वो अकेला सोया होगा। मैं जाकर तकिए से उसका मुंह बंद करके उसका काम तमाम कर दूंगा और नदी में छलांग लगाकर वहां से भाग जाऊं। अगले दिन उसकी लाश नदी किनारे पड़ी मिलेगी। चाहे वो किसी भी रास्ते से जाए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये ले बेटा कॉफी। मुंगरी मुंगरी जी मालिक, इस कॉफी को डॉक्टर को खाना होगा। मैंने थोड़ा सा पी लिया है, लेकिन किसी को कुछ मत कहना। घबराई नहीं, जल्दी चलो, घबराई नहीं, बैठिए जल्दी। घर में कोई कुछ भी न खाए, ये देखना मुझे चक्कर आ रहा है। इस कॉफी को डॉक्टर को दिखाना होगा और पता लगाना होगा क्या। डॉक्टर डॉक्टर, ये हमारे मालिक। बेटा देख क्या हो गया तेरे पिताजी को। डरो मत बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात की खबर बाहर वालों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। घर में कौन नया आदमी आया था बोलो? ऐसा तो कोई भी नहीं आया छोटे मालिक। बताती हूँ, पहले स्त्री वाला आया था, फिर मछली बेचने वाला आया था बेटा। सच बता मालिक। अरे मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तो बस मछली बेचने आया था। थोड़ा तो सोच लेते, पानी पीने से पहले भी आप पहले देख परख कर पीते थे, लेकिन इस बार आपने अपने घर का पानी पीने के लिए सोचना हो तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। श्रवण अंदर आ, बात बतानी है। सुबह मैंने सबके बारे में बताया लेकिन राधिका के बारे में नहीं। जब मैं रसोई में कॉफी बना रही थी तो राधिका वहाँ पर आई थी। क्या हुआ? माँ जी कहाँ है? वो पीछे गाय को चारा दे रही है। अच्छा, आप यहाँ कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं इस घर की नौकरानी हूँ, ये तेरे बात से आज पता चला बेटी। ठीक है, मैं माँ जी से मिलकर आती हूँ। वो ना तो तेरी माँ से मिली, ना ही वापस आई, बस चुपचाप रसोई से चली गई। किसके बारे में क्या बोल रही है? उसकी चप्पल वहीं पड़ी है, चाहे तो जाकर देख ले बेटा। भैया खबर मिली है, किसी लड़के ने ही फोन करके बताया था कि मालिक ट्रेन से जाने वाले हैं, आप सावधान रहिएगा भैया। यही चप्पल पहनकर घर में आई थी ना तू? वहां आने का मकसद क्या था? उस बूढ़ी औरत को मीठी मीठी बातों में फुसलाने का या मेरे पिताजी को जहर देने का? बोल। मैं बताती हूँ, तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए मैंने ही इसे तेरे घर में भेजा था।
ये झूठ बोल रही है ना? जवाब दे, जवाब दे। तेरे बाप को जहर देने पर तुझे इतना गुस्सा आ रहा है और मेरे बेटे को तेरे बाप ने बीच सड़क पर जब जान से मारा था। बिरजू पांडे के खिलाफ बोलता है। उस दिन ही मैं तेरे पिताजी को मार डालना चाहती थी, लेकिन उनका रुतबा पैसा होने के कारण मैं उनके करीब नहीं पहुंच सकी। और एक दिन मैंने तुझे अपनी बेटी के साथ बात करते हुए देखा और उस दिन मैंने फैसला किया कि अगर बदला लेना है तो यही एक रास्ता है। लड़की होने की वजह से इसके हाथों से जहर भिजवाया। अगर लड़का होता तो उसके हाथों में तलवार थमा देती। अपने बाप की यादों से दूर रहे इसलिए मैंने अपनी बेटी को 11 साल अपने से अलग रखा। मुझे नहीं पता मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को मारा या नहीं, लेकिन मेरे पिताजी को मारने के लिए मेरे से प्यार का नाटक किया, मेरे प्यार का सहारा लिया, मुझे जिंदा दफना दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है बहन। मैं तुम्हारे पति की मौत का कारण नहीं हूं। तुम्हारा पति अपनी मर्जी से इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ था। हमारी जात के वोट बढ़ जाए इसलिए तुमने सत्ताधारी पार्टी से 10 लाख रुपए लेकर इलेक्शन में खड़ा हुए हो। शर्मा भैया, मैं पैसा बिल्कुल नहीं लिया। बात घुमाने की कोशिश मत कर, चुपचाप अपना नाम इलेक्शन से वापस ले ले, नहीं तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। मानिक को मार दो, वो तो अपना आदमी। अभी इल्जाम बिरजू पांडे पर आएगा और वोट हमें मिलेगा। पूरा गांव जानता है मैंने उसका खून नहीं किया। तुमने क्यों विश्वास नहीं किया? जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को चाहता है तो मैं तुरंत आके बताना चाहता था, लेकिन इसने कहा कि तुम जानती हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सारी सच्चाई जानती हो। किसी की बात सुनकर तुमने इस बच्चे के दिल में जहर भर दिया और आज शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। उसे कल दूसरे के घर में जाकर रहना है, ये सोच के मेरा दिल रो रहा है। क्या बोल, तुमने सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं किया, मेरी माँ पिताजी बहन सबके सच्चे प्यार के साथ तुमने धोखा किया है। वैश्या भी सामने थूक कर चली जाएगी अगर उसे झूठा प्यार करने के लिए कहा था। सुन लिया ना माँ, आपने सुना प्यार तुमसे करने की, लुट गया मैं मिट गया आस नहीं जीने की। तेरे प्यार में ओ बेवफा सब कुछ हार गया, संग दिल तेरी चाहत में दिल ये टूटा। हमने टेलीफोन बूथ का पता लगा लिया, लेकिन पास में लेडीज कॉलेज होने की वजह से कौन लड़की थी? लड़की के बारे में तुम लोग पता नहीं लगा सके? कल विधानसभा में विरोधी दल के सदस्य सभी लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। हम लोग इस वक्त भले ही चुपचाप बैठ जाए लेकिन वो चुप नहीं रहने वाला है। आज ही रात उसके घर पर 50 लोगों को लेकर जाओ और बिना किसी को शक हुए ऐसे हमला करो जिससे बिरजू पांडे और उसका बेटा खत्म हो जाए। कोई भी गांव वाला अगर बीच में आता है तो उसका सिर भी धड़ से काट कर अलग कर दो। भाई ये सब खुल्लम खुल्ला करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। हमारे लोगों को खड़े होकर देखने के लिए कहो। आज रात ठीक 10:30 बजे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कहकर उस गांव में करंट काटने के लिए कहना। उस दौरान किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी फोन आए तो उन्हें उठाने से मना कर देना। अब उस ड्राइवर को इतना पसीना क्यों आ रहा है? बिरजू पांडे की वजह से आ रहा है क्या? पता लगाओ वो कौन है, यहाँ किसने भेजा और भेजने वाले के साथ उसका क्या रिश्ता है, सब पता लगाओ। भैया जाकर पूछो ना क्या बात है। मैं नहीं जाऊंगा। तुम पिताजी का आदर करते हो ना, क्या वो ऐसा करते हैं? जानते हो ना वो अपने दुश्मनों से भी बात करते हैं। जाओ ना भैया। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती की है उसकी माफी नहीं मिल सकती। हम लोग ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। जैसे ये सच है कि मैंने तुम्हारे पिता की कॉफी में जहर मिलाया, वैसे ही ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान के लिए मेरे प्यार का अपमान मत करना। भैया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस लड़की ने जो भी किया अपनी माँ के कहने पर किया। जो माफ करता है वो इंसान होता है, लेकिन तू
मेरा घर मेरा मंदिर है, मेरे माँ बाप मेरे भगवान, उसे कैसे अपनाऊं जिसने मेरे पिता को मारना चाहा। मैं समझ सकता हूँ, सबसे पहले जब वो तुझसे मिलने आई थी तो तुझसे प्यार करने के लिए, तुझसे शादी करने के लिए आई थी। किसी को जान से मारने वाला ऐसे आता है क्या? सच बता, वो तेरे मन में आज भी है कि नहीं? हाँ है, लेकिन फर्क इतना है कि ये वो राधिका नहीं है जिसे मैंने प्यार किया था। बेटा रुको, मेरी बात मानोगे? जाके उस लड़की को ले आओ। मेरा सिर काटने वाले का सिर काटने के लिए तुम तैयार रहते हो ना, उसी तरह इसे भी अपने पिता से प्यार होगा। वीरों की इस भूमि में जन्म लेने वाली हर लड़की में वीरता होनी चाहिए। दोस्त का दोस्त, वीर का वीर, दुश्मन का दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन धोखा देने वाले के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। उस दिन एक मुर्गी को मारने वाले हैं, सुनते ही जो लड़की रोई थी वही उसकी असली भावना थी। पहले मैं भी उस लड़की को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब एक परिवार कहीं से सब कुछ छोड़ के आता है, वो वैसे भी बेबस हो जाते हैं। उनकी बाकी की जिंदगी हमें उन्हें सुकून से रहने देना चाहिए। जाकर उसको लेकर आ बेटा। तूने मेरे प्यार का सहारा लिया, वैश्या भी थूक कर चली जाएगी अगर उसे झूठा प्यार करने को कहा तो। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। चलो घर चलते हैं, पिताजी ने बुलाया, चलो घर चलते हैं। ऐसा क्यों किया? हमेशा गलत फैसले लेती हो, मुझे परेशान करती रहती हो। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, जल्दी आइए। अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं बगल वाले गांव में जा रहा हूँ। किसी को साथ ले जाओ ना। अरे कोई भी साथ जाने में डर रहा है, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। नहीं 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 मुंगेरे। जी मालिक। भाई के साथ जाना, दो चार हथियार भी रख लेना। जी मालिक। छिपा के रखना। मैंने पता लगा लिया है भैया, इस ड्राइवर को जिस आदमी ने भेजा है वो बिरजू पांडे का बहुत अच्छा दोस्त है भैया। अबे अकल के अंधो, कहाँ है वो ड्राइवर? वो कहीं हमारा प्लान खराब न कर दे। जल्दी पकड़ो साले को। हमें धोखा देना चाहता था तू? मालिक मालिक मालिक, गुरु भाई को मार दिया, गुरु भाई को मार दिया। मालिक क्या बोल रहा तू? बहुत बोल रहा है मालिक, और गुरु भाई को मार दिया। मैं उतर कर कम से कम दो लोगों को मार सकता था, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता तो आप लोगों को यहाँ खबर करने कौन आता? इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। बिजली काट देंगे, फोन करने से पुलिस नहीं आएगी। पद का घमंड है ना, ठीक है। देखते हैं, आप सब लोग घर जाइए और साथ ही साथ अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखना। हम सबको अपने अपने घर भेज कर इस मुसीबत से अकेले लड़ना चाहते हैं आप? आपको यहाँ अकेला छोड़कर क्या हम लोग अपने अपने घर जाके बैठ जाएं? इतने सालों से हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने? आज हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि आपको कोई छुए, उन लोगों को हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। श्रवण, गुरु भाई की मौत की इंक्वायरी करने के लिए पुलिस आ रही है। काट कर रख देंगे। चलो काट के रख देंगे। चलो 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 चलो। भाई घर में तो क्या, हम उसे गली में भी घुसने नहीं देंगे। अगर कोई भी आपके घर के पास आएगा तो हम लोग उसे काट कर रख देंगे। भाई सीकरी से लोग ठीक 10:30 बजे आकर के हम लोगों को फोन करेंगे। जब तक हम लोग नहीं कहेंगे आप अंदर ही रहिएगा। फिर जो पांडे के मरते सब लोग मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। मैं शिवगंगा के गेस्ट हाउस में रहूंगा, तुम वहाँ के शादी के मंडप में रहना। काम खत्म होते ही आ जाना। हम सब एक साथ चलेंगे। ठीक है भाई, तुम सब लोग जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक। पिताजी गांव वाले आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर कोई भी आया उसे काट के रख देंगे। चाहे कुछ भी हो, होने वाली लड़ाई से नुकसान तो हमारा भी होगा। जो पैसों के लिए मारपीट करते हैं उनकी पत्नियां रोएंगी भी नहीं।
लेकिन पड़ोसी भैया और चाचा के परिवार को कौन जवाब देगा पिताजी? हम क्या कर सकते बेटा, सरकार और पद उसके पास है, उसका सामना करने के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। हम चार लोग हैं, हम चार ही काफी हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो किसी की पत्नियां विधवा तो नहीं होंगी, लेकिन मरने से पहले उन तीनों को खत्म कर देंगे। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं होगा। फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। सिकरी में मेरे एक दोस्त ने एक घंटे पहले मेरे नाम से होटल में कमरा लिया है। ठीक 10:30 बजे राजकिशोर को मार के एयरपोर्ट निकल जाऊंगा, फिर मेरा दोस्त रूम खाली करके एयरपोर्ट आ जाएगा। 1:00 बजे की फ्लाइट से मलेशिया चला जाऊंगा। 6 महीने बाद या 1 साल बाद वापस आ जाऊंगा। ऐसे पुलिस रिकॉर्ड में मेरा नाम नहीं होगा। मैं विदेश जाऊं इसलिए आपने मेरा पासपोर्ट बनाया था ना, तब वो काम नहीं आया, लेकिन आज वही मुझे सारी परेशानियों से बचाएगा। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? 25 साल से पिताजी तलवार लेके लड़ रहे हैं, तब तुम रोई नहीं, अब रोना आ रहा है? ये माँ की ममता है ना, अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना कर, रोकर मुझे कमजोर मत बना। तू ऐसे रोती रहेगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा माँ। बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया तो हमें चिंता नहीं होगी, हमारा कलेजा क्या पत्थर है बेटा। मैं इसको क्या जवाब दूंगी बेटा, वो क्या जवाब दूंगी, मैं इसको क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी। बोलो, मुझे क्या करना चाहिए? आज तक मैं समझती थी कि हर हत्यारे के पीछे बस खून ही खून होता है, लेकिन आज समझ में आया कि इसके पीछे इतना बड़ा संघर्ष है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम वापस आओगे। आप ही ने कहा था ना पिताजी, अगर गुस्से वाला इंसान तलवार उठाता है तो वो अच्छा नहीं होता। किसी की रक्षा के लिए तलवार उठाना गलत नहीं होता। सर, आपके वापस जाने तक डीएसपी साहब ने आपके साथ रहने के लिए कहा। बिजली के जाते ही फायर स्टेशन में फोन कर देना, सारे गांव में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के आने तक गांव में जितनी भी घास है जला देना। हमारे बुलाने से पुलिस नहीं आएगी, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले बुलाएंगे तो उन्हें आना पड़ेगा। और तो और बच्चों को पक्के मकानों में रहने के लिए कहना। आई बात समझ में? सरवन, मैं भी चलूंगा, मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। आज तक मेरी शादी नहीं हुई ये सोचकर मैं परेशान होता था, लेकिन आज पता चला कि अगर शादी नहीं हुई तो इसका भी फायदा है। जिसने भी हमारे गुरु भैया को मारा, जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा भैया। श्रवण, घर में कोई नहीं है, सब लोग शादी में गए हुए हैं। आज हम लोग खूब मजा करेंगे। जैसे प्लान बनाया था, 2 ग्रुप में बंट जाएंगे और उनका ध्यान बटाएंगे। 10:30 तो बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। अरे आएंगे। अपने गांव से यहाँ तक आने में इतनी देर कैसे लग गई? हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। चलो चलो जल्दी करो। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, जाओ। अरे ले यार, बियर पीना। तुम उधर जाओ। वो फोन नहीं उठा रहा है। चलो तो हम लोग वहां चलकर देखते हैं। चलो बोल श्रवण, वो पास वाले बाग में है। लगता है समय आ गया है।
सब लोग मशाल जलाओ, जल्दी जलाओ, मशाल जलाओ। भैया ये क्या भैया, हमारे आने के पहले वो लोग अपना काम करके चले गए। मत मारो मुझे, चिल्ला मत, अब तक पूरा नहीं काटा है, ऊपर से खाली काटी है। अगर मेरी बात मानेगा तो माफ कर दूंगा और तुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगा, समझा कि नहीं, वरना तुझे काट के मिट्टी डाल के यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगा। आई बात समझ में? मैं जो कहता हूँ वही करो। बिरजू पांडे को माता के मंदिर में पकड़ के रखा है। ये क्या बोल रहा है तू? भाई जल्दी से आ जाओ। भाई आप वहां मत जाइए, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। अगर आप वहां गए तो पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे। एक काम करो, तुम दूसरी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाओ। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। भाई चाबी। हाँ तुम यहीं पर रहना। ठीक है। बदरी, बदरी, है बदरी, है बदरी। चलो आजा आजा आजा। मेरे पिताजी का सर काटेगा, मेरे परिवार को खत्म करेगा, मंत्री क्या बन गया, पैसे क्या आ गए, जो भी मन चाहेगा वो सब कुछ करेगा। ए! बुरे लोग एक होकर अच्छे लोगों को खत्म कर देंगे तो भगवान किस लिए है, मंदिर किस लिए है? मेरा गांव मुझे चाहिए, मेरा परिवार चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। मेरी फिक्र मत करो माँ, थोड़े दिनों में आ जाऊंगा। ए सुनो रे भैया आ गए, पटाखे फोड़ो, फोड़ो पटाखे। भैया हम सब आपके बिना बहुत अधूरे थे,